मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? मजे मजे में है कि नहीं है? मजे मजे में। अभी तो मुझे इतनी हंसी आ रही है कराची के लोगों को, मैं ठिठरता हुआ देख रही हूँ, कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं और उनका बस नहीं चल रहा, जो बाइक चलाने वाले हैं वो भी कंबल ओढ़ के बाइक चलाएं। तो इतनी सी सर्दी पड़ने पर हमारा इतना बुरा हाल हो गया है। अब अगर ऐसा हुआ कि अगले साल और सर्दी पड़ गई तो क्या होने वाला है? क्या बर्दाश्त कर लोगे तुम लोग? हाँ, मुझे लगता है घर से बाहर निकलना शुरू, मतलब खत्म कर देंगे, है ना? कोई सड़क पे निकलेगा ही नहीं, इतनी ठंड है। क्योंकि हम तो मनाते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, बाहर खिजा कुछ भी हो, हम तो लॉन के कपड़े बनाते हैं। अब जस्ट इमेजिन जब आप लॉन के कपड़े पहनकर बाजार निकलेंगे या बाहर निकलेंगे तो सर्दी तो लगनी है ना भाई। क्यों नहीं तुम जीन्स पहन लेती, नीचे जीन्स पहन के ऊपर लंबा कुर्ता और दुपट्टा पहन लो, उससे सर्दी रुकेगी। इसलिए बराए मेहरबानी खवातीन, एक तो लॉन और वो भी सलवारें, सारी हवा अंदर से जाती है तो फिर सर्दी तो लगनी है ना। अच्छा, जैसे सर्दी का ताल्लुक खुश्की से होता है, ये तो खैर बुरा ताल्लुक हो गया, खुश्की पैर में भी हाथ में भी हर वक्त खारिश, सर्दी का ताल्लुक पाए से होता है, सर्दी का ताल्लुक ड्राई फ्रूट से होता है, सर्दी का ताल्लुक भूख से होता है। भाई सच्ची बात है, ओहो हो भाई, डाइट करना सर्दी में एक बहुत मुश्किल टास्क है। इतनी भूख लगती है, इतनी, जिन लोगों की भूखे मरी हुई होती है ना सर गर्मियों में, उन सबको भूख लगने लगती है और वजन सबका बढ़ता है सर्दियों में। और मजा कितना आता है ना जब सर्दियों में कंबल में सारी फैमिली एक साथ ही घुस के बैठी हुई होती है, एक ही बिस्तर पे एक ही साथ कंबल में मूंगफलियां भी खा रहे होते हैं, कितना मजा आता है ना। ये सर्दियों की रातें बड़ी इंजॉय की जाती हैं, खास तौर पर जब फैमिली मेंबर सारे साथ बैठे हों। और खैर हीटर्स तो कराची में तो होते नहीं, लेकिन हीटर्स चलते हैं भाई पूरे पाकिस्तान में, कॉफ़ी पी रहे होते हैं, गर्म करके दूध पी रहे होते हैं, चॉकलेट डाल के सूप पिए जा रहे होते हैं, तो ये खैर मज़ेदार माहौल लगता है। और कुछ कुछ ही झटके के लिए आती हैं कराची में सर्दियाँ। तो मैं बात कर रही थी ताल्लुकात की, ताल्लुक अब जैसे दाल चावल का अचार से होता है। हाय हाय हाय, क्या याद दिला दिया। अच्छा, अब अगर मैं फिलोसफिकल बातें करूँ, समंदर का मौत से होता है और चांद का चांदनी से होता है, बारिश का पकौड़ों से, मतलब बीच बीच में अपनी वाली बातें भी ले आओ ना मैं, हाँ, चाय का समोसे से होता है, आहा हा, दिल का धड़कन से होता है, ये रोमांटिक बात आ गई है। और अंदर की बात बताऊँ, शक का मियाँ से होता है तालो। मतलब जो स्क्रिप्ट में लिखा था उसके अंदर हमने अपनी बातें भी तो डालनी होती है ना, जो अपने जज्बात है, जो अपने एहसासात है, वो भी तो अंदर जाहिर है ना डालने होते, वरना फिर वो निदा यासिर शो नहीं लगेगा ना, वो फिर कुछ और ही लगेगा। अच्छा, वैसे आपस की बात है, ये मैं आपके दिल की बात कह रही हूँ, घर की गंदगी का ताल्लुक बच्चों और मियाँ से होता है। और एक और, घर की गंदगी का ताल्लुक मासी की छुट्टी से भी होता है, ये भी होता है। और साथ साथ घर की गंदगी का ताल्लुक औरत की बीमारी से होता है, अगर बेचारी को फ्लू हो जाए उसमें वो नहीं उठ पाती बिस्तर से, वीक पड़ जाती है। तो सारी खवातीन ये सुन लें कि आपका एक बहुत गहरा ताल्लुक अपने बच्चे मियाँ खानदान वालों मैके वालों से के अलावा किचन से होता है। और किचन में एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर किचन अधूरा है। कुछ लोग किचन में रखते हैं, कुछ लोग लाउंज में रख लेते हैं और कुछ लोग स्टूडियो में रख लेते हैं। मेरे पास तो आज स्टूडियो में 1 2 3 4 अलग अलग किस्म के फ्रिज हैं, मतलब डिज़ाइन एक जैसा है लेकिन उनके अंदर जो चीज़ें होंगी वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। अब अगर मैं आपको टिप देती हूँ, अगर आपने किसी का घर देखना है जाकर कि कौन कितनी सुघड़ वाली सुघड़ औरत है, या उस घर में अपनी बेटी अपने बेटे की शादी करनी है, उस घर से लड़की लेनी है, आप बहाने से, हालांकि बहुत बहुत मुश्किल बात है कि रिश्ता लेके जाए फ्रिज खोल ले, बहुत मुश्किल बात है, लेकिन फ्रिज, जिस घर का फ्रिज साफ होता है पता चल जाता है बस उस घर की औरत जो है ना वो सुघड़। फ्रिज गंदा बर्दाश्त नहीं होता, सलीका शार खवातीन से फ्रिज गंदा बर्दाश्त नहीं हो सकता। अब अगर मैं आपको बताऊं कि फ्रिज में कौन कौन सी चीजें हम ठूस के रख देते हैं मगर हमें रखनी ही चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, वैसे आजकल डिस्पेंसर्स आ गए तो थोड़ी अक्लमंद हो गए आप लोग। फ्रिज के, मैं खोल के दिखा सकती हूँ? हाँ,
ये देखें, ये फ्रिज का जो ये कॉर्नर है, यहाँ पे पानी की बोतलें अक्सर बचपन से यहीं से निकाल के पीते थे, यहाँ नहीं रखनी चाहिए, ठीक है? इसकी यहाँ पे रखने से एक तो फ्रिज का दरवाजा देखिए, अक्सर होता है मेरा फ्रिज का दरवाजा लटक जाता है, उसकी वजह ये है कि हम पानी की बोतलें हैवी होती है और वो यहाँ भर भर के रखते हैं। ये डिपार्टमेंट बोतलें रखने का नहीं है। एक फिर सब्जी और फ्रूट सामने सामने रखें, गल सड़ जाते हैं, पानी आपके फ्रिज में भर जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं, ओह ये तो धनिया पुदीना काला हो गया, हरी मिर्चें और क्या कहते हैं उसे, लीमू, ये तो पहले ही यहाँ रखे हुए थे। फ्रिज में बिल्कुल सामने सामने फ्रूट और सब्जियां रखें ताकि आपको पता हो। हम क्या करते हैं, वो खाना जो हर वक्त खुलता भी नहीं है उसमें ठूस देते हैं एक साथ, सब्जियां भी फ्रूट भी। टमाटर तो फ्रिज में नो है, टमाटर तो आपने रखना ही नहीं है, जायका खराब हो जाता है, टमाटर की ऊपर मेम्ब्रेन हो जाती है, वो सारी डिस्ट्रॉय होती है। तो सालन और बची हुई चीजें ढक के रखें, खुदा के वास्ते प्याज कटा हुआ फ्रिज में ना रखें, तो पूरे पूरे फ्रिज में बदबू हो जाएगी। फिर जो प्याज का काम क्या होता है, प्याज आप क्यों कहते हैं कि जब आप नए शहर में जाओ तो आपको सबसे पहले वहां जाके प्याज खाना चाहिए, इसलिए क्योंकि उस शहर का की जितनी भी आलूदगी और गंदगी होती है वो सब प्याज आपकी बॉडी में से अपने अंदर समो लेता है, टॉक्सिन्स अपने अंदर ले लेता है। प्याज की खासियत होती है कि वो सारी गंदगी को अपने अंदर समो के खारिज कर देता है, तो आपकी बॉडी में भी जितनी भी गंदगी होती है वो प्याज खाने की वजह से उसमें आ जाती है और आप ऊपर डिस्चार्ज हो जाती है बॉडी से। तो अगर आप फ्रिज में रखेंगे कटा हुआ प्याज तो फ्रिज की सारी गंदगी आप उस प्याज में समोलेंगे और उसके बाद खाएंगे पेट में उस गंदगी के साथ। सोचिए, दवाई और खांसी का शरबत तो फ्रिज में नो है, खुदा के वास्ते क्या करते हैं आप लोग, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना होता है। अब मतलब फ्रिज का तो टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, उसके फ्यूम्स, दवाइयों के फ्यूम्स जगह जगह फैल जाते हैं, आप फ्रूट खा रहे हैं उसमें भी दवाइयों के फ्यूम्स हैं, तो उसमें ना रखें। डबल रोटी भी फ्रिज में ना रखें, नमी आ जाती है या नमी सारी उसकी खींच के ले जाती है, ड्राई हो जाती है डबल रोटी। कॉफी वैसे कोई फ्रिज में रखता है यार? गलत बात है, कॉफी फ्रिज या फ्रीजर में नहीं रखनी चाहिए, उसमें है। एक मिनट माइक लेके बताएं ना, अगर आपके पास कोई टिप है तो फिर माइक लेके बताएं, दुनिया सुने। लव भी माइक जल्दी 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 आगे पास करें। हाँ, आपके पास भी टिप होगी, सबके घर की अपनी अपनी टिप्स होती हैं। अमरूद और खरबूजा भी पूरे फ्रिज में स्मेल आ जाती है, केले भी खराब हो जाते हैं ज्यादातर, अमरूद और खरबूजा बहुत और हर चीज में स्मेल आ जाती है ना, हर चीज में स्मेल हो जाती है, खरबूजा पानी भी छोड़ देता है फ्रिज के अंदर, तो ये भी नहीं रखनी चाहिए। और किसी को पता है? और लोग तो अचार भी रखते हैं यार, कौन रखता है अचार फ्रिज में? रखते हैं, एक तो खट्टी चीज ऊपर से ठंडी, हर वक्त तो आपकी आवाज रानी मुखर्जी जैसी होती होगी, नहीं? अचार उसमें भी फ्रीजर में रखते हैं थैली बांध के, अरे बापर, पूरे एक साल का, और फिर माइक्रो में रख के वो करते हैं, पिघलाते हैं? नहीं नहीं, तो ऐसे एक थैली निकाल लेते हैं सुबह, फिर शाम तक थोड़ी नरम हो जाती है, उसमें तेल डाल कर इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, सही रहता है। अच्छा हाँ, वैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ना रखें अचार क्योंकि वो पानी छोड़ देता है, एक साल चल जाता है, एक साल चल जाता है, वरना बाहर उंगली भी लग सकती है, इसलिए कह रही हैं तेल ज्यादा भरेंगी तो अचार में उंगली थोड़ी लगेगी। नहीं नहीं, उंगली नहीं लगती, उंगली नहीं, उंगली में फंगस, फंगस, उंगली की बात, उंगली कैसे लगे, लेकिन ऊपर वाले खाने में जो होता है ना बर्फ वाले में, उसमें नहीं लगता, उसमें नहीं लगता, हम तो हमेशा रखते हैं। हमारे एक्सपर्ट शायद गलत कह रहे होंगे, आप सही कह रहे हैं। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे हमेशा से रहते हैं, हमेशा ऐसे रहते हैं। और किसी के पास कोई टिप है फ्रिज में क्या रखें क्या ना रखें? एक मिनट, क्या मैं अपने बच्चों से बचाने के लिए फ्रिज में रखती हूँ क्या? अचार। अचार? अचार बच्चे खाते हैं? अरे जो अच्छा, अनहोनी चीजें, अनहोनी चीजें, आम घर की औरत, कुछ महंगी लिपस्टिकें भी फ्रिज में पाई जाती हैं। हाँ, मैं भी रखती हूँ, देखा, मैं भी रखती हूँ, देखा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ना, कुछ परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रेस भी फ्रिज में होते हैं। रखती हूँ और अचार रखती हूँ बच्चों से बचाने के लिए, इसलिए मेरी जो बेटी है ना अंजीला, वो बहुत ज्यादा अचार की शौकीन है। अच्छा, कुछ लोग पैसे भी छुपा के फ्रिज में रखते हैं? हाँ, देखो ठंडे हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। तो और क्या कोई अनहोनी चीज फ्रिज में छुपा के रखते हैं? मैं पूरे साल के जो है ना मैंगो फ्रीजर करके रखती हूँ, वो पूरे साल खाती हूँ मैं। अब पता चला ये क्या है, कट्टो। हाँ, ये पूरे साल आम खाने का नतीजा है,
इतनी शौकीन हो तुम आम की? कुछ भी फ्लेवर में बना लेती हूँ, कुछ भी। लोग कहते हैं ये तो मैंगो का सीजन नहीं है, मगर मैं कहती हूँ भाई देखे मैंने तो बना के दिखाया। तो मान तुमने एक फ्रीजर ही खरीदा हुआ है सिर्फ मैंगो सेल्स करने के लिए? बिल्कुल, फ्रीजर करके मैं काट काट के कैटलेस बना के ना उसके रख देती हूँ, और जो है ना फिर उसके बाद जो है ना, हाँ उसके बाद ये अनहोनी है वैसे, अनहोनी। तो उसके बाद जो है ना जैसे आइसक्रीम वगैरह हुआ, हाँ। कुछ भी हुआ फालूदा, उस पर फ्लेवर तरीके से, मैं खीर हुई तो उस पर मैं लगा के दे देती हूँ, और कोई भी आता है अरे यूनिक है यार कितनी अच्छा होता। हाँ टेस्ट अच्छा रहता है जी, बिल्कुल। और कोई अनहोनी चीज कोई करता है फ्रिज के साथ? कोई और है? अगर आप करती हैं तो मुझे फोन करके बताइए, मैं सुनना चाहती हूँ कि और क्या क्या अनहोनी चीजें हैं जो हर किसी के घर में फ्रिज में होती हैं। आज हम बहुत ही मजे का शो कर रहे हैं, बड़ा डिफरेंट सा शो है। और क्या एक अल्लाह की कहाँ से आ गई, और एक साल के मटर क्या हो गया, क्या जंग हो रही है, क्या हो रहा है? हाँ माइक 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 पहले माशाल्लाह जुबेद आपा ने बताया था, क्या दोबारा बोले? ये है ना एक साल के मटर हाँ। है ना जैसे हमने इतने सारे चिल्ले 10 किलो हाँ। चिल्ले, और फिर है ना इसको पानी गर्म करा हाँ। और पानी को चूल्हा बंद कर दिया हाँ। और मटर डाल दिए हाँ। फिर इसको बिल्कुल ठंडे हो गए ना हाँ। उसकी थैलियां बना बना के फ्रीज कर दी। माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे चलते हैं ऐसे। अच्छा। कैसे रहते हैं? मुझे भी एक और अनहोनी चीज पता चली है। शकील भाई आपकी कौन है जो क्या करती है फ्रिज में सर्दियों में? चच्ची, हमारे जो कैमरामैन उनकी चच्ची हैं, वो सर्दियों में बिल बचाने के लिए फ्रिज बंद कर देती हैं और उसमें कपड़े रखती हैं। गर्मियों के कपड़े पैक कर करके रख देती हैं फ्रिज में कि भाई क्या करना, फ्रिज में रख के चीजें तो बाहर भी रखी हैं, सही है। ये तो लॉन का जोड़ा तो आपकी चच्ची को मिलना चाहिए। अनहोनी, और इस बात के बाद कोई और अनहोनी बनती नहीं है, ब्रेक ही बनता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि खवातीन का ताल्लुक किचन से है और किचन का ताल्लुक फ्रिज से है, क्योंकि अगर किचन में फ्रिज नहीं होगा तो चूल्हों पे जो पकेगा खाना वो कहाँ से आएगा, क्योंकि आप सब वहीं सेव करके रखते हैं। अब फर्ज करें किसी दिन ग्रॉसरी नहीं की है, फ्रिज में जो भी रखा है ठीक है वही पकाना है। हर किसी के घर में अलग रिवाज अलग रस्म होती है। चलो भाई आज अब फॉर एग्जांपल मैंने पर्स खोला तो उसमें कैश नहीं था, तो मैंने कहा अच्छा मैं गोश्त मंगवा के रखती हूँ, मैं से एक साथ ना हफ्ते का गोश्त, तो मैंने कहा क्या करूँ पैसे नहीं है, क्या करूँ क्या, दाल चावल ये सब सौदा वौदा आके रखा होता है। मैंने कहा अच्छा दाल चावल और फ्राई गोश्त बना देना, ऐसे मैं बोलकर आ गई कि फ्रिज में जो जो चीज़ें हों घर में जो जो चीज़ें निकाल के बना लेना। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब कोई ग्रॉसरी नहीं की हुई है, बची हुई चीजें, तो उससे क्या क्या आप बना सकती हैं फ्रिज से निकाल के, फ्रिज और किचन से निकाल के? कोई मुझे बता सकता है क्या आपके घर में बनता है तब जब? हाँ माइक दो भाई, इनको इनको माइक दें, आपके पास रखा है माइक इधर था। हाँ जी हाँ, आप क्या करती हो? जैसे अंडे रखे हुए होते हैं घर में, तो अंडे का ऑमलेट बना लिया, चटनी वगैरह बना ली, इस तरह घोटाला बना लिया, हाँ जल्दी से फटाफट बना लिया, इस तरह कुछ भी रखा हुआ है। और वैसे रात का सालन रखा हुआ है, अगर कोरमा रखा हुआ है उसमें चावल डाल दिए तो बिरयानी टाइप का हो गया, इस तरह कर लेते हैं। और वो बहुत से कर लेते हैं, कुछ कुछ भी होता है, जैसे आलू पाला गया उसमें सादे चावल उबाल लिए वो उससे खा लिए, इस तरह मजे का लगता है। और बताए भी फ्रिज में और क्या 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 जुगाड़ करके आप लोग बना सकते हैं जी? प्लीज ये देखे ना जरा, क्या पता जहानत की बात निकल जाए। नॉर्मली सबके यहाँ पर दही बहुत होती है ना, हाँ हाँ, तो अगर कुछ भी नहीं होता तो कड़ी बन जाती है, कड़ी बन जाती है, कड़ी चावल दही। ओके ओके, और किसी के पास कोई आइडिया है? कोई ग्रोसरी नहीं हुई भी, कोई लाने वाला नहीं है, बाजार जाने वाला नहीं है, दीजिए प्लीज माइक उधर दीजिएगा। हाँ जी जी जी, आलू के कटलेट्स बन जाते हैं, आलू कटलेट्स, मटर पुलाव, आलू तो आलू प्याज तो रखा हुआ ही होता है जी जी, आलू कटलेट्स बन जाते हैं, मटर हो तो आप मटर पुलाव, ये इनके पास तो एक साल के मटर होते हैं। माइक 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 माइक, अंडा प्याज भी बहुत अच्छा बनता है, मेरे शोर को बहुत पसंद है अंडा प्याज जी, बहुत तो इसलिए वो सौदा ही नहीं लाके देते होंगे अंडा प्याज। नहीं नहीं नहीं, सौदा तो वो नहीं लाते ना, सौदा तो मैं ही लाती, आप ही लाती। कभी है ना
मूड नहीं है निकलने का, जैसे अब थोड़ी ठंड हो रही है। बेटा भी ले आता है, मैं भी ले आती हूं। लेकिन अंडा प्याज बहुत अच्छा बनता है हमारा। हाँ, चले आए, हमने आपसे तो जान लिया। मुझे प्लीज SMS करके बताइए, जब आपके घर में ग्रोसरी नहीं की, सौदा नहीं लाई हुई होती, तो फ्रिज से निकाल कर आप क्या पकाती हैं और क्या घर वाले से आराम से खा लेते हैं? ये स्टोरी लिखकर मुझे SMS कीजिए ताकि मैं आपकी स्टोरीज शेयर कर सकूं पूरे पाकिस्तान से। अब मैं बुला रही हूं उन सेलिब्रिटीज को जो बड़े सलीकाशार हैं, और जब उनके घर में सौदा नहीं आया हुआ हो तो फ्रिज से निकाल के वो क्या क्या घर में पका सकते हैं, आइए उनसे जानकर कभी कभी अपने घर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वेलकम करती हूँ मैं आलिया इमाम, किरण और मिज़ना। ऐसे खाना पकाने वाली हर घर में हो तो मजा आ जाए। हाँ भाई, क्या हाल है? अच्छा ये बता, ओ ये वो है ना, कतरीना और सकीना दोनों वो है। हाँ, सुना ये वो इसलिए किया कि ये हमें पार्टनर रह गई, हम पीछे ये बात कर रहे थे, अक्सर हम लोग तीन साथ होते हैं, चार तहरीम होती है हमारी। अच्छा, मैंने कहा हम नहीं जाएंगे, ये बुलाएगी कहीं कोरम पूरा नहीं, हम नहीं जा रहे। ये लोग शोर इसलिए कर रहे हैं, ये बहुत एंजॉय करते हैं, जब हम मेहनत कर रहे होते हैं ये लोग बैठे ऐसे करके देख रहे होते हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। अच्छा भाई, यहाँ हमने इन सब की ऑडियंस की तो कहानी सुन ली कि जब इनके सौदा नहीं लाए होते फ्रिज से क्या निकाल के कुछ भी बना लेते, आप क्या जुगाड़े करती हैं? अच्छा, जब सौदा नहीं आया होता तो वो तो बात की बात है, जब मेरे मियाँ रात को फिल्म देख रहे होते हैं और बज रहा होता है 1:30-2 बजे रात का, ठीक है, और कहते हैं भैया अब लग रही है भूख, तो मैं आती हूँ नीचे फ्रिज ढूंढने की, क्या बना के मैं देखूँ, सैंडविच बना दूँ, कुछ कर दूँ, तो मैं देखती हूँ रोटी पड़ी है, रोटी निकाली, कोई भी सालन ढूंढा, उसको जल्दी से हल्का सा फ्राइंग पैन में गरम किया, कच्ची प्याज काटी, सेट की, ऊपर खीरे सेट किए, रोल बनाया, अच्छा, और ऊपर कोई मेयोनीज पड़ा है, अगर केचप पड़ा, नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं, जो जो मिला सब लपेटा। एक काम मैं करती हूँ जिससे उसको वो चीज इतनी अच्छी लगने लगी, और वो ये कि फ्राइंग पैन में ना हल्की सी ऑयल ब्रशिंग की, उस रोल को पूरा रोटी को ऐसे रख दिया, क्रंच हो गया, फिर उसको पलटा के क्रंच कर लिया, ठीक है, ये क्रंच से बन गया, उसको तिरछा काटा खूबसूरती से, ऐसे करके ऐसे करके सजाया, ऐसे यूं करके ताकि अच्छा लगे। और एक प्यारे प्लेटर का इंतखाब किया, पता है भूख बहुत और अच्छी मिटती है अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छी की, और ये सब कुछ 2 बजे रात को हो रहा है, जस्ट इमेजिन, और वो लेके और ऐसे में टिक टिक करती हूँ ऊपर पहुंच जाती हूँ, तो वो इतना एंजॉय करता, क्रच क्रच आवाज आती है अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से, ऐसे में कीमा और रोटी होता फ्रिज में तो आप क्या ऐसे ही रोल बना के सजा के देती हैं? और कभी कुछ नहीं है घर में और कुक नहीं है, कुछ नहीं है और खाना बनाना है, क्योंकि काफी लोग हैं सर्वेंट्स और ये वो सब, तो मैं क्या करती हूँ टमाटरों की चटनी तो सब घरों में आती है ना बनानी, जिसमें कड़ी पत्ता मेरे घर में ही लगा है, नोच के ले आई उसका बघार, तो उसका एक फ्लेवर, जब वो कढ़ाई में वो बन गई ना हल्का सा, उसको सिलसिला रखा, अब बंदे फर्ज करो 1, 2, 3, 4 लोग हैं, तो 4 अंडे मैंने उस पे ऐसे ऐसे करके तोड़ दिए, ये गोश्त का काम करेंगे, वो सालन का करेंगे, और हल्का सा ढकना दिया तो वही वो भाप में पक गए। अब एक एक आप अंडा निकाले और साथ में मसाला, ऐसा खड़े खड़े दो रेसिपीज बता दें सुबह सुबह। चलो किरण तुम बताओ कि क्या तुम्हारे पास सौदा नहीं, मेहमान आ गए या अभी एकदम बिन बुलाए मियां आ गए? परसों ऐसा हुआ था कि मम्मी लोगों का इत्तेफाक नहीं था आने का, वो कुछ मेरी नीस ने कुछ पिक करना था, तो लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, शाम का वक्त था, मैंने कहा आप लोग तो अंदर आइए ना, ये चली जाएगी, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूंगी, तो मम्मी डैडी लोग आ गए, फिर मैंने कहा चलो गिनी को भी कॉल कर लेती हूँ, अंबर को उसको भी बुला लिया, अच्छा खाना खाया भी नहीं था, दोपहर का थोड़ा सा आलू गोश्त था जो मम्मी को मैंने एक रोटी के साथ वैसे ही गर्म करके दे दिया, अब गिनी थी, मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे, टेंशन बिल्कुल नहीं लिया, ऐसे फ्रिज खोला, देखा क्या है, अच्छा फ्रिज खाली, मैं ज्यादा चीजें स्टफ नहीं करती फ्रिज में, फिर मैंने फ्रीजर खोला, मछली का पैकेट पड़ा हुआ था, मैंने कहा अच्छा इसको थॉ करना, कोई बात नहीं यही निकालती हूँ, फ्रीजर में मेरे पास मैं अक्सर क्या करती हूँ, बची हुई दाल जो होती है ना भुनी हुई, उसके पराठे बना के रख देती हूँ, तो ये मैंने कुछ एक नई रेसिपी ट्राई की थी, तो 3-4 पराठे वो रखे हुए थे, बहुत मजे के वो मैंने सेका, मछली को निकाला गर्म पानी के नीचे उसको वो रखा ताकि वो फौरन से वो खुले, अलग तो वो थी क्योंकि मैं पैकेट्स ऐसे बनाती हूँ चपटे वाले ताकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए, बट वो अंदर से तो थॉ
उसका हुआ था, उसको पानी में भिगोया, दो दफा पानी चेंज किया, उसी वक्त ही उसको हल्का हल्का सा प्रिक किया, उसमें मैरिनेशन की, मस्टर्ड और वो मस्टर्ड सॉस, नमक, काली मिर्च डाल के, सिरका डाल के, सोया सॉस डाल के, और उसको मैंने किया फ्राई कर लिया बटर और गार्लिक लेके, और शिमला मिर्च एक पड़ी हुई थी और एक मेरे पास गाजर थी, तो ऐसे ऐसे से कट करके वो वेजीज भी हो गई, वेजीज भी हो गए, इतने मजे की वो फिश बनी है ना, हाजिर वो होता है दिमाग ना, दिमाग आप अगर अपना हाजिर रखेंगे तो आप कभी पैनिक नहीं होना चाहिए, एकदम हाथ पांव में जाता है, आराम से सोचो करना चाहिए। कॉफी भी पिलाई उनको मजेदार, मतलब उसी वक्त सारी चीज कुछ नहीं था, लाइक मैंने अपने ससुराल में ये देखा कि जब भी कोई मेहमान आए सबसे पहले क्या क्या करें, जल्दी कढ़ाई बना दो भाई, मुर्गी की कढ़ाई होती है सबसे पहले, टमाटर डालता है, दुनिया भी लाल मिर्च, उसका भी इजीएस्ट में तुमको बताऊं ताहरी होती है, आलू वाले चावल जो इतने मजे के बनते हैं, मटर पुलाव भाई, तंदूर की रोटी तो आ जाती है, और कढ़ाई जो है वो भी है कि ताहरी भी बना सकते हैं, और ये कढ़ाई भी तो हमारे घर में तो हमेशा, चलो भी क्या मेहमान हाँ भी कढ़ गोश्त वाला जो है मुर्गी वाला जो घर आके दे देता है, और बाकी टमाटर तो घर में होते ही होते हैं सब्जी, तो ये झटपट जल्दी जल्दी बन जाते हैं ये। चलो भाई मिर्जा तुम्हारी कहानी। बेसन की रोटी बना लेती हूँ बहुत आराम से। अच्छा हाँ बेसन होता है। दूसरा दाल बची हुई होती है उसमें आटा डाला वो बना लिया, दाल को पतली दाल है फ्राइंग पैन में चढ़ा दिया ना, तो वो उड़ता रहा वो ड्राई हो गई, मैं भी हमारे भी एक छोटी रोटी भर के और कच्ची प्याज हरी मिर्च डाल के, हम लोग भी ऐसी बनाते हैं, वो जो लंबी वाली रेड वाली जो मिर्च होती है वो और इमली मिला के उसकी चटनी बना लेते हैं, तो बहुत मजे की देगी मिर्च होती है हमारे पास, मेरे पास अक्सर लोग रखते हैं एक ये करते हैं, दूसरा ओट्स और लौकी को कद्दूकस करके कबाब बहुत मजे के बनते हैं, ओट्स रखा हुआ होता है डब्बे के अंदर हमेशा, ओट्स और लौकी क्या करते हैं, लौकी को कद्दूकस करके और कबाब की तरह बना के उसे फिर ब्रेड क्रम्स लगा, अरे वाह, ये वो वाला जल्दी जल्दी वाला काम है कि जब लाइक एकदम आपके सर पे कोई बर्डन आए, बर्डन तो नहीं होता, मेहमान नवाजी तो अच्छी चीज है, लेकिन जब आपकी खास तौर पे लड़कियों की नई नई शादी हुई भी होती है तो फिर वो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, उनको गाइड करने वाला नहीं, बुजुर्ग घर में हो तो फिर तो कोई मसला नहीं, वरना तो दाल भी चढ़ा दें, आधे घंटे दाल चीज होती है, अगर स्नैक्स में बनानी है और गेस्ट आ गए, चाय आपने यहाँ रखी है, दो अंडे उबाले उनको फोर्क से ऐसे करें, काली मिर्च मजे का लगता है, ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स काट दे, वन बाइट वाइट ले तो इतने मजे का आता है। अच्छा ये तो हम सुघड़ खवातीन के बारे में बता रहे, कुछ पुअर खवातीन ऐसी होती है जब एकदम मेहमान आ जाते तो वो पानी डाल देती है सालन में, पानी भी डाल देती है, ऐसा भी होता है, और उसके अलावा फिर अब तो होम डिलीवरी है ना, अब तो फोन ठक 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 मिलाया। अच्छा मैं तुम्हें एक अंदर की राज की बात बताऊं, मेरा मियाँ बहुत होम डिलीवरी करता है, चीजें मंगवाता है वो, और आलिया इमाम जो इतनी मॉडर्न डायरेक्टर कंप्यूटर से वाकिफ सब कुछ, मुझे आता ही नहीं कैसे होम डिलीवरी मुझे पता ही नहीं है कैसे करते हैं ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे कभी मेरे घर के वो तरबियत ही नहीं थी अम्मी की साइड से, होम डिलीवरी मुर्गी वाले का नंबर है जो घर पे भेजा क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट की बात है, मतलब हमारी अम्मा ने तो हमारी ट्रेनिंग की है डाउन टू अर्थ रखने के लिए, कभी हफ्ते में एक दफा ऐसा होता था कि कुछ सौदा नहीं आया, फ्रिज से जो निकाला है वही निकालो, हाँ ऐसा होता, पकाया नहीं है पकवाना नहीं, तरबियत की पकाने की मम्मी ने हमारी भी आता नहीं था बना दी थी लेकिन खुद बना के दिया है कि अच्छा हाँ कुछ और नहीं है तो चलो यही बना के। हाँ मैंने भी मम्मी से यही सारी चीजें सीखी हैं, कोई भी चीज बच जाए उसको फेंको नहीं, जाया नहीं करो, अगर अगले सालन बच गया चावल डाल दे उसमें, इतने मजे के चावल बन जाते हैं, टेस्ट अच्छा सा बिरयानी टाइप आ जाता है, आलू सब्जी बन गए, कटलेट्स बना लिए, कुछ भर के पराठे बना लिए, उसी को मैच किया कटलेट्स बन गए। अच्छा अब आज आप क्या रेसिपी शेयर कर रही हैं, अच्छा कौन बनाएगा, ये लोग बनाएंगे हम गाइड करेंगे, हम बता देंगे, वैसे एक बात हम
दोनों जिस तरह की मिजना का मुझे इतना आइडिया नहीं, जैसे कुक है, हमें नहीं चाहिए कोई हेल्प। हम मुझे किचन में कोई खड़ा हो तो मुझसे काम ही नहीं। अच्छा हाँ, मेरा कुक कह रहा था बाजी प्याज काट, मैंने कहा तुम जाओ ना कहीं से हो आओ थोड़ी देर, मैं बना लूं। रियलाइज ही नहीं किया कि मुझे खल रहा है, मैं बड़े आराम से अच्छी सोच के साथ काट रही होती, बड़े सुकून के साथ। मुझे लगता है काम आपका और फैल जाता है दूसरों को देने, जितने हेल्प। ये तो है जब आप खुद करो तो सब आप खुद। मटर छिलवाती हूं सर। आप क्या सिखा रही हैं आज नाज़रीन को फ्रिज में से जो निकले और एक रेसिपी तैयार। अच्छा पता नहीं, मैंने तो बहुत सारी बता दी, मैंने भी सामान किस कहां क्या है। मैं तो वही एक दाल का पराठा बोला था, एक मैंने बोला था राइस अगर उबले हुए पड़े हुए हैं तो उसको अभी फ्रिज खोल के देखते हैं ना, और सालन कोई नहीं है, राइस है सिर्फ, तो उसका क्या बना सकते हैं वो मैं बनाऊंगी। फ्राइड राइस मैंने कहा था, लेफ्ट ओवर केक घर में पड़े होते हैं, घरों में पुराने सूख रहे होते हैं पड़े, उसका मैंने एक शेक बनाना था। अरे फिर मैंने उसकी एक स्वीट डिश भी छोटी सी बना ही दूंगी अगर केक मिल गया। अच्छा आइडिया है वैसे, इतने इतने केक पड़े होते हैं और खास तौर पे जब आपकी बर्थडे हो आप केक क्यों लेके आ जाते हैं। हमने खुद मंगाया है, अक्सर मेरे साथ होता है, मेरे बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट की, केक मंगाया इतना बड़ा जबरदस्त काटा, उसके बाद उसको फ्रिज में रख दिया, जब मेहमान चले गए तो हमने कहा अरे केक तो देना ही भूल गए, ये तो देना था, अब हम खाएंगे। ये चार पांच साल ऐसा होता है ना, पता है दो तीन पीसेस को ना बकायदा फ्रीज कर दिया, फ्रीज कर दिया, थोड़े दिन बाद आप कभी शेक बना लें, कभी उसको रीबेक कर लें, गुड एज फ्रेश। तो जी अब मैं ब्रेक पे जा रही हूँ और फिर एक एक करके हम इन सब की रेसिपीज आपसे शेयर करने वाले हैं। आज एक बड़ा मजे का शो है, जो आपके घर में भी ये शो चलता होगा, बची हुई चीजों से अपने पेट की, अब पापी पेट की आग कैसे बुझाई जाए, कैसे आग कैसे बुझाई जाए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको पता नहीं है जब यहाँ मेरे गेस्ट आते हैं, सेलिब्रिटी गेस्ट, तो पता नहीं मैं उनसे क्या क्या सीख चुकी हूँ, कितनी सारी एक्सपर्टीज मेरे पास आ गई इन लोगों की वजह से। अभी मैं देख रही थी कि आलिया जो है इन्होंने क्या किया, ग्राइंडर में, पहले ग्राइंडर को मैंने स्मेल किया क्योंकि मैंने शेक बनाना है, तो मैंने स्मेल किया तो मुझे किसी और पिछले मसाले की खुशबू आ रही थी, तो मैंने एक चम्मच इसमें आटा डाला, थोड़ा सा पानी डाला, ग्राइंडर चला दिया और उसको धो लिया। तो आटा जो है वो सारी बदबू को लेके, जैसे पहले जमाने में याद करें सिल होती थी घरों में, सिल पे मसाला, अब मिर्चे पीस के कोई उठ के गया या लहसुन, तो वो एक वो फौरन हमारी दादी क्या करती थी उस पे मसाले पे, वो मासी से कहती थी इस पे वो कर लो, आटा पीस लो, आटा पीसा धोया साफ। तो ये आटा जैसे कभी कभी ग्लास में भी बू आती है ना, आप उसकी भी तरकीब बताई थी, वो भी बताइए प्लीज। अभी स्मेल आती है मेरे घर से, पता नहीं अंडा कभी दो साल पहले भी अगर धुला है ना तो वो एक स्मेल। एक तो ये कि रात को सोते वक्त एक बर्तन में डिटर्जेंट कोई भी डाल के या बर्तन धोने का साबुन एक प्याले में, खाने की प्याले में जितने भी ये स्पंज है जो किचन के और वो सब भिगो दें, डेली डेली विनेगर एक ढकना डाल दें अगर है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, और भिगो दें सुबह कर लें, तो उसमें स्मेल कपड़े में होती है तो चीजों में आती है, और अगर ग्लास से स्मेल आ रही है तो उसको नमक से धो लें, धोने के बाद स्मेल ना आए। मैंने स्पंज अलग कर दिया, थोड़ा सा एक चुटकी नमक से क्या करें, अच्छा चुटकी चुटकी डाला, नमक से हाथ से मला और यूं धोने के बाद, हाँ धोने के बाद एक नमक के नमक डाल के उससे चुटकी से घुमा, वरना तो कहते हैं ना नींबू कर लो, हाँ, हाँ, लो नींबू तो बेस्ट तो बहुत ही नहीं, ये तो नमक नहीं, तो नींबू की भी खुशबू आती है ना यार, जब आप पानी पी रहे हैं उसमें खटास सी कभी कभार टेस्ट भी आ जाता है नींबू का, तो ये नमक वाली चीज आई थिंक सो कि ये बहुत, और ये आटे वाला, दो लोगों ने शिकायत की मेरे घर में, इसमें से दूध की बू आ रही, बच्चे ग्लास में दूध पीते हैं, इसमें से कुछ फलाने की चीज आ रही, मैंने कहा अल्लाह ये थोड़ी बेइज्जती की बात, और अक्सर ग्लास को उल्टा भी रखो ना तो उसकी भी एक अजीब सी स्मेल, अक्सर पानी की धो के ना उल्टा ही रख देते हैं सब लोग ही, तो वो मेरे ख्याल से वो जो लेकिन एयर थ्रू एंड थ्रू होना चाहिए, ऐसे कोई स्टैंड हो जिसके ऊपर आप ग्लास, वो सही रहते हैं ग्लास, इसीलिए हालांकि लगते बहुत चीप हैं किचन में, हाँ नहीं तो उसमें अच्छे भी होने चाहिए, वो आपको एयर थ्रू करते हैं ना, उसमें से स्मेल नहीं रहती। अच्छा जी अब हम शुरू करते हैं, मेरे किचन में छुरी नहीं है, मैं कितनी फुवर्ड हूँ। अच्छा चले अब हम पूछते रेसिपीज क्या क्या है। आप किरण क्या बनाना चाहिए? यार कल का बना हुआ कीमा रखा हुआ है फ्रिज में ना, तो मैंने सोचा उसकी बिरयानी बना लेती हूँ निदा के शो पर, कीमे की बिरयानी। मैं जरा देखती हूँ ना फ्रिज, हाँ ये माशाल्लाह से फ्रिज फ्रीज कर दिया था मैंने ना। अच्छा ओके, ये कीमा थोड़ा तो बचा होता है, हाँ और क्या, तो इसके अच्छी सी मेन डिश बन जाएगी ना बिरयानी की, हाँ तो हाँ, मैं जाया भी नहीं होगा, वरना ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप जाया हो जाती है, बुरा हाँ, लगता है
नहीं अब ये देखो ना, अब ये कितना है, एक दो हाँ, बंदे खा लेंगे ज्यादा हाँ, ज्यादा ये दो औरतें खा लेंगी हाँ, वरना तो एक आदमी नहीं खा सके, तो अब मैं इसको चार पांच लोगों की डिश बना दूँ हाँ, ये बजाय पानी मिलाने के ये काम कर लो ज्यादा बेहतर है ना। निदा वैसे मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, पानी मिलाने का भी एक आइडियल सिचुएशन होती है। क्या हमारी भी एक रिश्तेदार थी, चार मेहमान आए, उन्होंने जो खाना बनाया उसमें फौरन पानी उंडेल दिया हाँ। और बकायदा मेरे मामू मजाक उड़ाते थे कि नाक पकड़ो, इधर से डोंगे में डूबो, उधर से निकल जाओ, इतना पानी है। तो उसका तरीका ये कि आप पानी मिलाएं अच्छा। और मिलाने के बाद छुरी देना पड़ोसन हाँ। अच्छा पानी मिला दें ठीक है अच्छा। और जब उबल रहा हो हल्का सा आटा, जैसे निहारी में तो बहुत आटा डलता है ना, थोड़ा सा एक टेबलस्पून आटा लेके हाँ। उसको घोल लें और वो डाल दें, तो आपका जो पानी है ना वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा ठीक अच्छा। है। और एक और काम करिए, या तो डोंगे हाँ। में निकालने के बाद ठीक है, एक फ्राइंग पैन इस तरह का छोटा या बघार का आपके घर में बर्तन हो, एक टेबलस्पून, ज्यादा ऑयल भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी ऑयल है, गर्म करें तेज, एक या आधी टीस्पून लाल मिर्च डाले और उसका बघार, उसका कच्चापन भी नहीं आएगा, कच्चापन, और उससे क्या होगा एक वो जो रौनक डिश पे चाहिए पानी पन भी नहीं आएगा पानी पन। सालन में तो पानी पन नजर आ जाता है ओह हमारे, और एकदम आने पर पानी डाल के फिर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दे क्योंकि वो फीका हो जाता है। जी जी जी, ये सब ध्यान रखे, अच्छा अब रेसिपी बताओ कीमे की तुम कैसे बनाओगी। कीमा बना हुआ था ऑलरेडी, ये ना बचा हुआ कीमा यहाँ पे ठीक है, और इसमें ऑलरेडी ऑयल काफी है। अच्छा मैं क्या कर रही हूँ, चावल मैंने बॉईल करने रख दिए, नमक और साबित गरम मसाला डाल के ठीक है। अब मैं इस कीमे को ये करूंगी कि मैं इसमें आलू भी ऐड करूंगी अच्छा। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी प्याज लेके हल्का सा सौते करके, लहसुन डाल के, टमाटर, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, जीरा डाल के, और फिर मैं आलू डाल लूंगी ठीक है, और फिर ये कीमा थोड़ा सा भून के तेल लगा दूंगी, खत्म। तो क्विक सर्व, वेरी वेरी क्विक, देखते हैं तहारी कैसी बनती है। अच्छा मिर्जा जब तक तुम्हारे चूल्हे, एक तो मतलब ये हमारी हिस्ट्री है हाँ। अगर चार चूल्हे तो एक फंस जाएगा, अगर आठ चूल्हे तो सातवां फंस जाएगा तो वो ये है, इट रन्स इन द गुड मॉर्निंग, इट रन्स इन गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इन द मॉर्निंग शो ये हाँ। अच्छा मिर्जा तुम बताओ क्या बना। मैं बना रही हूँ शोला। शोला हाँ। इसके अंदर जो बचा हुआ कोरमा और निहारी होती है हाँ। उससे हम लोग बनाएंगे चावल दाल और दलिये के साथ, हलीम की फॉर्म में होता है। अच्छा बची हुई निहारी और कोरमा दोनों होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, कोई भी एक चीज भी हो तो चलेगी हाँ। उसके अंदर आप सालन हाँ। अलग कर ले, जला ना दे आदमी मुझे, और सालन अलग कर ले और उसकी जो बोटियां होती है वो अलग कर ले, फिर हलीम की तरह उसे घोटना अलग कर ले। अच्छा क्योंकि वो सालन करी जो है वो तो देर तक पकती रहेगी ना। अच्छा फिर उसके बाद आप बोटियां डालें, चावल, पालक, दाल और दलिया, और हलीम की तरह उसका घोटा लगाना है, उसके बाद थोड़ा सा ब्लेंड करना है, फिर बाद में आप उसमें बघार लगा लें प्याज का। ये तुम करोगी तो मैं दोबारा आऊंगी ठीक है, नहीं चूल्हे जल जाए तो मैं शुरू करती हूं। अच्छा यहाँ मैं अब आपके पास आ गई। अच्छा मैं बना रही हूँ एक ऐसे राइस हाँ। जो मोर और लेस चाइनीज राइस टाइप के हैं। अच्छा अच्छा इसमें ये कि अब चूंकि शर्त ये कि घर में जो जो चीजें उनसे बनाना हाँ, है हाँ। तो अगर घर में फर्ज करें आपके पास चिकन पाउडर नहीं है, या आपके पास अजीनोमोटो टेस्ट हाँ। के लिए जो कि अब मिलता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, अनहेल्दी है वो, तो आप कैसे छोटी छोटी चीजों से एक डिश अच्छी सी बना के पेश कर सकते हैं हाँ। अच्छा मेरे घर में ना व्हाइट चने जो होते हैं वो उबले हुए पड़े होते हैं। अच्छा जैसे तो मेरे घर में साल के मटर पड़े होते हैं हाँ, तो मैं भी पूरा साल पड़े होते हैं हाँ। तो अगर चने भी उबले हुए तो वो भी मैं डाल देती हूँ अच्छा। तो वो बड़ा अच्छा टेस्ट देते हैं, मैं बताना भूल गई थी वरना मिल जाते मुझे। अच्छा तो या मैं घर से ले आती, लेकिन इनका भी मैं ऐसा अमेजिंग तुम्हें बना के खिलाऊंगी। अच्छा नहीं तो आप ये जो चावल बनाती है इसमें आप वो चने भी डालती हैं? चने भी डाल देती हूँ, मटर भी डाल देती हूँ, कुछ चने मटर अगर, लेकिन हाँ। अभी मैं जो वो बना रही हूँ जो हमेशा घर में अचानक बन सकती है। अच्छा अच्छा तो इसका क्या नाम है? ये बस राइस है, राइस मिक्स राइस, राइस है, और इसमें आपने सब, और अब आपके घर में चूंकि सालन नहीं है हाँ। आपके घर में दाल नहीं है, लेकिन आपके पास ये बचे हुए थोड़े से चावल है और आपके बच्चे को भूख लग रही हाँ, है हाँ। तो अब आप कैसे बनाएंगे हाँ। तो मैं इसमें प्याज लाल कर रही हूँ हाँ। इसमें मैं डालूंगी अंडा हाँ। नमक, लाल मिर्च, और बस उसमें चावल मिक्स कर दिया, दैट्स इट। अंडे के साथ बच्चे आराम से खा भी लेगा, अंडा तो इतना पसंद, बड़ों को भी पसंद आता है। ये तो बड़ा बड़ी क्विक, कितनी अच्छी ये रेसिपी है कि लाइक प्याज आपने फ्राई किए हाँ। उसके ऊपर, उसके अंदर आपने अंडा डाला, वो चाइनीज की तरह हिलाया जैसे हम चाइनीज में, और उसके बाद उसमें चावल मिला दिए, बस खत्म। और वो बच्चे को ये भी नहीं होगा कि क्या अम्मा ने उबले हुए चावल निकाल के हाँ। नहीं नहीं बहुत मजे का बनेगा। मेरा जो बच्चा है वो बड़ा आसान बच्चा था, जो बड़ा वाला है
वो क्या कहता था उसको कोई चीज पसंद नहीं उससे छोटा क्योंकि हमारे हस्बैंड्स की भी बड़े नखरे होते हैं ना, उनके भी हम आपको बताएंगे कि उनके नखरे, खैर हमारे तो पड़ोसी उनके नखरे पूरे कर देते हैं, चलो गुड, लेकिन हाँ ऐसे पड़ोसी अल्लाह यहाँ सबको दे, सबको दे। तो फरीद जो है वो क्या करता है, उसको कोई खाना अगर पसंद नहीं आता कि नहीं खाना मुझे ये, तो वो मक्खन और चावल मिला के खा लेते हैं। मक्खन को चावल के साथ वो बचपन में ये खाना। अच्छा, मैं अलमीर को खिलाती थी मक्खन चावल, हल्का सा नमक डाल ले, हल्का सा नमक डाल और अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, और मेरा और फिर यही नेक्स्ट बच्चा जो है बलाज, उसको कोई खाना पसंद नहीं रहा तो उसको अंडा पराठा चाहिए, देसी घी वाला पराठा, अंडा पराठा, वो उससे वो हो जाता है। और सिला को क्या चाहिए इमरजेंसी में, सिला को चाहिए वो जो डाइट में खाना खा रही होती है ना सैलेड, बच्चे उसको इतना ललचाते हैं जो डाइट का खाना हम खाते हैं, हैरत है, वरना बच्चे भागते हैं। स्टीम करके खाना खा रही हूँ तो कहती है मैं भी आज से स्टीम, मैंने कहा तू पतली इतनी तो जाएगा कहाँ, मतलब क्या है वो, अब पता नहीं ये चीज कंटेजियस होती है। मेरी अम्मी जब खाना खाती थी मेरा दिल चाहता कि मैं उनकी प्लेट से खाऊं, अम्मी इतने मजे मजे ले लेके खाती थी ना, और मेरी बेटी भी ऐसे ही करती जो मैं खा रही हूँ, दे पता नहीं क्या मसला है ये। ये देखें ये तो तैयार भी हो गया एक वाली डिश, तो ये लाल मिर्च डाली आपने, अंडे डाले, अच्छा मुझे ये प्लान नहीं था लेकिन मुझे काजू दिख गए तो मैं ये भी डाल रही हूँ। ये बच्चे वैसे खाते नहीं है तो ये खा लेंगे इस चक्कर में चावल के साथ। ये देखिए कहानी, ये है जुगाड़ खाना, आज की डिशेज आपको जुगाड़ डिशेज का नाम है, और ये इसी से कोई क्रिएटिव रेसिपी बन जाती है भाई। एग्जैक्टली, एक नई इनोवेशन हो जाती है। आई थिंक थोड़ी सी बस सेंस होनी चाहिए आपको कि क्या किस तरह से, हाँ थोड़ी सी अगर नॉलेज है खाने में ये डलेगा तो ये फ्लेवर आएगा, फिर आप कर सकते हैं कुछ भी ना। ठीक है जी, मैं अब मिज़ा तुम्हारा चूल्हा जला के नहीं, अभी जल गया, जल गया, चलो अब मैं मिर्जा ने क्या कहा कि वो क्या बना रही है, मैंने शोला जो गोटियां थी ना कोरमे और नेहारी की वो अलग निकाल ली और इसके अंदर दोनों सालन मिलाए, ठीक है, चावल और दाल, दोनों सालन मिला दी, थोड़े थोड़े दोनों थे थोड़े थोड़े, हाँ, और चावल दाल, चावल और दाल कच्चे डाले, कच्चे डाले और दलिया डाला, और दलिया डाला, चावल दाल और दलिया ये डाला तुमने, ठीक है। अब इसमें पालक डालूंगी काट। अच्छा, अब घर वालों को भी आप बता देना कि वो बच्चा वह सालन है नहीं खाते, नखरे। अब यार इतनी मेहनत से कमाता है बंदा तो घर सेव करता है ना, और पता नहीं दिमाग खराब हो गया सबका, वैसे फ्रिज में रखना कोई गुनाह हो गया है, मतलब जब माए वर्किंग होती मैं कहा मेरी मेरी शक्ल किधर आएगी शकील भाई। अच्छा, मतलब कि अगर अम्मी मेरी वर्किंग थी तो अगर उन्होंने चार दिन का खाना बना के रख दिया हम चुपचाप खा लेते थे, मगर आज तो हमारे घर में वर्किंग जो हेल्पर्स हैं वो तक भी कहते हैं कल का है हम तो नहीं खाएंगे, कल का है हम नहीं खाएंगे। तो ये उन घर वालों के लिए जिनके जबान पर ये चीज होती है कल का है हम नहीं खाएंगे या परसों का है हम नहीं खाएंगे, ये बेस्ट चीज है शोला। शोला पता भी नहीं चले, और बताने की जरूरत नहीं है घर वालों को कि आपने वो बचे हुए सालन, यही लगेगा हलीम खा रहे हैं वो, हाँ उनको लगेगा शोला खा रहे हैं, बहुत मजे का बनता है शोला। और क्या, यही औरत का सलीका है एक्चुअली, यही सलीका है। हाँ अच्छा, अब आपने बचा हुआ निहारी थी थोड़ी सी, बचा हुआ कोरमा था, आपने उसकी बोटियां अलग मसाला डाल दिया, दाल चावल और दलिया डाला, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये अब बस पानी डाल के उसको छोड़ दिया है, जब ये हो जाएगा तो फिर हम पालक डालेंगे, फिर इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि वो हलीम। पालक डायरेक्ट डाल दोगी या फ्राई करके डाल? नहीं नहीं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब वो जिस स्टेज पे तुम पालक डालोगी प्लीज वो स्टेज दिखा दो, ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर बोटियां आखिर में मिक्स करें, आखिर में मिक्स करें। बोटियां का क्या, रेशा निकालोगी? रेशा निकालूंगी क्योंकि फिर वो ब्लेंड हो जाएंगी ना, अगर अभी पता भी नहीं चलेगा ना किसी को कि कल परसों का ये खाना। अच्छा है ना, मुंह में आना तो चाहिए ना बोटियां डली हुई। आप ये भी हो सकता है कि बीफ की निहारी है और चिकन का कोरमा है, दोनों मिक्स होके तो कुछ और ही बनेगा, क्या ख्याल है आपका? कहीं से लग रहा है आपको कि एक दो दिन पुराना है? अरे फ्रिज है, फ्रिज किस लिए खरीदा है? Exactly. इसीलिए खरीदा है ना। मुझे इतना बुरा लगता है कि जब लोग डस्टबिन में खाना फेंक देते हैं, रहम करें रहम।
मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं रात को, सिर्फ ये इमेजिन करें आप। लेकिन अगर आप मतलब मजबूरी है, खाना सड़ भी गया है, जो भी है, कुछ ऐसी चीज जो आप खुद नहीं खा रहे हैं, आप मासी को भी ना दें और आपने फेंकना है, हाँ। तो आप ये सोच के फेंकें, इस नियत के साथ फेंकें कि ये खाना अल्लाह ताला ये चींटियों को और जो हाँ। दूसरी चीजें हैं, मतलब डस्टबिन में ना फेंकें, आप ऐसी जगह डाल दें जहां से चींटियां, अगर आपने डस्टबिन भी फेंकना, आपके पास कोई जगह नहीं, आप फ्लैट में रह रहे हैं, आप कहां नीचे, आप सिर्फ नियत ये कर लें कि ये खाना जाए मुस्तहक को, अगर चींटी जो भी है, बिल्लियां हैं, कचरे में भी जा रहा है, हाँ। तो उनको ये खाना नसीब हो, तो आप नियत कर लेंगे ना, तो फिर आप बड़े मुझे पिछले प्रोग्राम में भी तुम टिप देके गई हो कि खाना ये सोच के पकाएं, ये वो टिप्स हैं जो मैं अपनाती हूँ, और ये आप तभी अपना सकते हैं जब आप कॉन्शियस होते हैं, जब आपको पता है कि आप कर क्या रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं। तो मैंने तो अपने शो पे भी ये बोला था कि मैंने पहली 2019 में अपने लिए एक नई जॉब मुंतखब की है, और वो जॉब है स्पाइंग जॉब है, अच्छा। एक खुफिया एजेंट की जॉब है, हाँ। और मुझे मुसलसल 24 घंटे नज़र रखनी पड़ती है, और अगर जहाँ मेरी नज़र इधर से उधर हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बीमारियाँ लग सकती हैं, मेरा फ्यूचर ख़राब हो सकता हाँ। है, और वो जॉब है अपनी सोचों पे पहरे लगाना, कोई भी नेगेटिव सोच हाँ। अगर जैसी आए उसी वक्त ही नहीं किरण स्टॉप थिंकिंग दिस वे, बहुत अच्छा सोच रही हूँ मैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजों के बारे में फिर सोचना शुरू कर दे। जैसे जैसे आप मच्योर होते जाते हैं ना, आप ज्यादा नेगेटिव होते जाते हैं, क्योंकि आपको अवेयरनेस ज्यादा आती जाती है, तो वो आपको इस खास तौर पे एक जो होशियार एज है उसमें आपको बहुत पॉजिटिव रखना है अपने आप को। कितने हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं हमारे अंदर, आप चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, आप 10 तरह की नेगेटिविटी माशरे से भी कैच कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स से कैच कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इमोशनली आपने इमोशनल डाइट अच्छी रखी हुई है, यानी कि आपने अपने आप को स्ट्रांग रखा हुआ है, अपनी हाई वाइब्रेशंस रखी हुई है, तो आपको कोई भी सिचुएशन जैसी भी हो, कितनी भी मुश्किलात हो, कोई भी आपको तंग कर रहा हो, आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं जो परेशान, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आइए जी, मैं बुला रही हूँ सलमा आसिम को, और सलमा आसिम हमारे साथ हैं, वो बताएंगी कि फ्रिज, उनसे भी मैं बहुत सी रेसिपीज पूछूंगी, क्योंकि एक्चुअली तो वो शेफ हैं, वो अब बताएंगी बहुत सारी रेसिपीज भी और बहुत सारे तरीकेकार भी कि फ्रिज को कैसे साफ रखना है। कैसी हैं आप? क्या के बड़ी मजेदार किचन सेट किए हैं, और मैं सुन रही थी कि क्या अच्छा बना रही है, कोई एक्सपेक्ट करता है कि ये सेलिब्रिटीज इतने बड़े बड़े ऐसे क्विक और मतलब इतनी सलीका शार खवातीन हैं, स्पेशली जब आपने बोला ना मैं शोला बना रही हूँ, वाह। और ये देखिए जरा इसकी कीमे की शक्ल देखे ना जरा, अरे फुआ है ये कीमा, कल का बचा हुआ था ना, असल बात ये है कि जिस टाइम आपके पास मेहमान आए और उस टाइम आप बजाए इससे कि वही बात है कि भागने के, बड़े सुकून से आप उन्हें पानी, मेहमानों के सामने आप इतना सा भी तो नहीं कुछ रख सकते ना, बुरा लगता है ना, हालांकि एक भी आया है मेहमान तो आप उसके सामने ये कीमा ले जाके नहीं रख सकते, अगर एक या दो लोग बनाने का तरीका उसको, हाँ जैसे ये असल में खातून का काम ही यही है कि वो कितनी खूबसूरती से मेहमानों को अपने घर की चीज पेश करती है और घर की चीज बना के खिलाती है, बाजार से तो हर कोई मंगा के खिलाता है ना, वो उसमें रिस्पेक्ट होती है वो सब, और बात ये है कि हम आपके काउंटर पे चलते हैं और आप मुझे बताएं और फ्रिज से और चीजें कौन कौन सी ऐसी निकाल के बनाई जा सके, जुगाड़ जैसे आप जुगाड़ कहते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगी हाँ। निदा, फ्रिज को अपना असेंबल करना, उसको उसमें चीजें कैसे रखनी है और उसकी सफाई कैसे रखनी है, पहली चीज तो ये है, जिस खातून का फ्रिज साफ सुथरा होगा वो खुद भी बाय नेचर भी अच्छी हाँ। होगी, साफ सुथरी होगी और हाइजीन का ख्याल रखेगी। तो चंद एक चीजें मैं बताऊंगी फ्रिज के अंदर, एक तो हम यूज करते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स, ठीक है हाँ। उनको हम वॉश कैसे करें हाँ। तो उसमें से डिफरेंट खानों की स्मेल और स्पेशली ग्रीस की स्मेल खत्म हो, सबके पास होते हैं इस तरह के, और वो भी आइसक्रीम के डब्बे होते हैं उसको भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, आइसक्रीम के डब्बे और क्या क्या चीजें होती है जो चीज बच्चों के, मैं बताती हूँ कि हाँ। कोई भी कंटेनर अगर आपके पास आइसक्रीम का है, आपने बाहर से कोई सामान मंगवाया प्लास्टिक हाँ। के डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं हाँ। मेरे घर में पाए जाते हैं और जब से मैं सलमास किचन रन कर रही हूँ हाँ। वो अच्छे बॉक्सेस इकट्ठे होते हैं हाँ। एक चीज शेयर करूँ, फ्रिज खराब किस चीज से होता है, जैसे आप नया फ्रिज लेकर आते हैं तो हम उसे हल्के नीम गर्म पानी में भिगोकर टॉवल उससे पूरा क्लीन करते हैं, देन उसके बाद हम उसे ऑन करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब भी हमने उसकी सफाई करनी है, जब भी हमने फ्रिज को बंद करना है, एक तो इतनी देर के लिए बंद करने की जरूरत नहीं, सही। उसकी बड़ी आसान सी चीज ये कि हमारे
बहुत कम लोग हैं जो नॉन फ्रॉस्ट फ्रिज यूज करते हैं। हमारे सबके घरों में फ्रिज में बर्फ जमती है, सही। तो जैसे लाइट चली जाती है, खैर से काफी लंबी भी चली जाती है, तो आप क्या करते हैं उस टाइम तो उस ठंडक को यूज करते हैं, लेकिन जैसे अगर आपकी फॉरन आती है तो हम क्या करते हैं उसको फटाफट ऑन कर देते हैं, फ्रिज ऑन कर दो चीजें खराब ना हो जाए, वो सबसे गलत चीज है। अब आपका फ्रिज डिफ्रॉस्टिंग की तरफ जा रहा है तो आप उसको खोल के रखें, खोलिए दरवाजा 5 से 10 मिनट के लिए खोलेंगे, उसकी बर्फ जो है उसके नीचे की तरफ हवा चली जाती है, एंड देन आपको पूरी की पूरी वो स्लैब आप निकाल सकते हैं, ऊपर की बर्फ है उसको आइस को आप तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जब आप डिफ्रॉस्ट करते हैं तो उसके पाइपलाइन सारे के सारे डिफ्रॉस्ट होते हैं, और जब आप फ्रिज दोबारा ऑन करते हैं आप कुछ भी कर लें जितनी मर्जी सफाई करें एक बड़ी ही गंदी सी स्मेल आती है, और वो उसको खत्म करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, हमारे सबके घरों में है मीठा सोडा। हाँ ठीक है, आपने मीठा सोडा लिया और कोई तश्तरी ले लीजिए, पिर्च ले लीजिए, चाय के कप की इतनी छोटी ले, ऊपर और नीचे दोनों खुली प्लेट हो, उसके अंदर आप मीठा सोडा डालिए, और डालने के बाद आप फ्रीजर में भी रख दें फ्रिज में भी रख दें। जो बहुत पुराना फ्रिज होगा उसको दोबारा आपने ऑन किया है उसमें जो स्मेल है वो 3 प्लेटें भी नहीं आपकी बदलेंगी और स्मेल खत्म हो जाएगी। और ये है कि आपने इसको 24 घंटे रखा, बहुत ज्यादा स्मेल है तो 24 घंटे के बाद इसको चेंज कर लें। कितने कितने दिन बाद इसकी प्लेट बदलें? वैसे नॉर्मली मेरे फ्रिज में हर वक्त मीठा सोडा पड़ा होता है। अच्छा, तो आप उसका बर्तन कब बदलते? मैं वीकली फ्रिज को जब दोबारा कपड़ा मारती हूँ तो मैं उसको चेंज करके नया डाल देती हूँ, लेकिन ये कि अगर कोई बंद फ्रिज है आपने हफ्ते भर से बंद है या कहीं गए थे वापस आके ऑन किया तो उसकी जो प्लेट है आपने 24 घंटे के बाद पहले ही चेंज करनी है, उसके बाद आप रखते हैं। अगर आफ्टर दैट 48 आवर्स भी आपको स्मेल आती है तो तीसरी बदलेंगे, उसके बाद स्मेल नहीं आएगी। हाँ। ये तो गारंटी है। हाँ। और ये फौरन ना सारी वो गंदी स्मेल वो कर लेता है। और इसको रखने की सबसे बड़ी वजह क्या है, जैसे हमने खरबूजा रखा, हाँ। पानी में स्मेल आ गई, आम रखे स्मेल आ गई, हाँ। कोई सालन है उसकी देचकी पे ढक्कन नहीं दिया उसकी स्मेल आ गई, तो ये क्या करता है वो सारी स्मेल अब्सॉर्ब करता है। अच्छा एक मिनट मिजना, तुम क्या कर रही हो? मिजना तुम चावल से क्या कर रही हो? चावल रसगुल्ले बना रही हूँ। बताओ तो सही ना, ऐसे क्यों? एक मिनट मैं आ रही हूँ आपके पास सलमा। आप लोग बातें कर रहे थे ना तो मैंने पीस लिए जरा। अच्छा तुमने क्या किया? चावल जो बचे हुए थे उबले बचे हुए जो बॉइल्ड राइस होते हैं उसको हम लोग फ्रिज से निकाल के उसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और वो लेना है मैदा हाँ, प्लेन फ्लावर जो होता है वो और कॉर्नफ्लावर, लेकिन उससे पहले अपने चावलों को पहले ब्लेंडर में डाल के पीसना है, जब वो आटे जैसे हो जाए पानी नहीं मिलाना। तो कभी कभार आपके चावल जो है ना वो घिप भी हो जाते हैं, फिर आपको समझ नहीं आता अब उन घिप चावल का करें क्या, तो आप उन घिप चावल का ये कर सकते हैं हाँ, कॉर्नफ्लावर, और फिर उसके बाद आपको जब वो पेस्ट बन जाएगा, पेस्ट तो नहीं है खैर वो बहुत इस तरह का था, मैंने उसके अंदर कॉर्नफ्लावर और प्लेन फ्लावर डाला है, और अब मैं इसको गूंद रही हूँ आटे की तरह, फिर हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, ठीक है, फिर शीरा बनाएंगे चीनी और पानी का, अच्छा उसके अंदर ये रसगुल्ले छोड़ देंगे, मतलब की डिजर्ट भी बन रही है, जबरदस्त। अच्छा एक दफा मैं दोबारा रेसिपी रिपीट कर रही हूँ रसगुल्ले की, जो बॉइल्ड राइस आप घर में फ्रिज में बच जाते हैं, या अगर कोई चावल घिप हो गए हैं और नहीं खाए जा रहे हैं, कभी होता है गलती औरत से हो जाती है, तो उनसे रसगुल्ले बनाए जा सकते हैं, उसमें कॉर्नफ्लावर और मैदा मिलाने के बाद उनकी गोल गोल गोलियां, चीनी नहीं बनाई तुमने? नहीं, चीनी का रस, चीनी का रस हाँ, चावल को ग्राइंडर में मैश करने के बाद उसके अंदर कॉर्नफ्लावर और मैदा मिलाया, उसके बाद उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई और शीरा अलग से बना के उनको रसगुल्ले की तरह उसमें डाल दिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं दोबारा वापस आ रही हूँ, और फ्रिज की कहानी सलमा आसिम की जबानी, फ्रिज की कहानी आलिया इमाम की जबानी, किरण की जबानी और मिजना की जबानी जानिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक ऐसा शो हम कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से हर औरत के घर में ये शो होता होगा कि जब एकदम इमरजेंसी में कुछ बनाना है तो फ्रिज खोले, फ्रिज खोल के खड़े हो जाएं और सोचते रहें क्या करें क्या करें। तो यहाँ हमारी कुछ सेलिब्रिटीज़ आपको ये समझा रही हैं कि आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं उन आम खानों से जो अक्सर आपके फ्रिज में छोटे से प्याले में रखे हुए होते हैं। अच्छा मैं आ रही हूँ किरण की तरफ। हाँ जी, मैं ये चीज़ बड़ी देख कर अट्रैक्ट हुई कि किरण ने क्या किया। देखिए बेसन रमजान के जमाने का आपके घर में रखा होता है, बेसन मंगवाया होता है। हाँ। नॉर्मली आप पकौड़े और वो चीजें इतनी ज्यादा नहीं बन रही होती, नहीं बन रही होती, तो बेसन तो होता है घर में, ठीक है। साथ रही सवाल जी, अब किरण ने 2-4 चीजें एक साथ बना ली। नहीं नहीं मैं बताती हूँ। हाँ ये कल टिक्का मंगवाया था बच्चों ने ना, बच गया। हाँ। अब खाया नहीं, अब वो ऐसे तो सूखा है, दूसरे दिन वो खाएंगे नहीं, क्योंकि हाँ, दूसरे खाया ही नहीं जाता। दूसरी नई चीज बनेगी तो वो खाएंगे। तो बेसन को घोला आपने। हाँ। और बेसन में मैंने हल्दी, लाल मिर्चे,
लाल कुटी हुई मिर्चें हो तो वो भी डालते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं, हरा धनिया डाला है, प्याज चॉप करके डाला है और थोड़ी सी शिमला मिर्च चॉप करके डाली है। ये एक बैटर बना लिया, मीठा सोडा डाले जैसे कि करते हैं और हल्की सी ये चिकन का पीस लेके और डिप किया और बना दें, ये चिकन पकौड़ाज हो गए। चिकन पकौड़ा, जैसे मेरे बच्चों को सालन नहीं पसंद है तो अब अगर मुझे रोटी के साथ मैं उनको दूंगी, खा लो रूखी चीजें खा ले। हाँ रूखी चीजें, रूखी रूखी केचप के साथ ये इतना मजे का लगेगा, ऊपर स्नैक्स बन सकते हैं, चाट मसाला छिड़के और फिर खाएं मजे से। कोई कह नहीं सकता कि कल का बचा हुआ टिक्का या इवन के चिकन बॉईल करके आपने रखी हुई है फ्रीजर में, निकालें और बना लें। सैंडविचेस यूजुअली हम बनाते हैं और एक इसी बैटर के साथ जो बेसन का बना हुआ है जिसको सारी चीजें डाली थी, मैं बेसन की रोटी बना रही हूँ। चपातियाँ अक्सर बच जाती हैं दावत में, आप मंगाते हैं नान भी हो, नान भी बचा है। अच्छा एक एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो चपाती है उसको नरम कैसे रखें फ्रिज में अगर रखना है? सलमा आपके पास कोई आइडिया है? जब हम चपाती पकाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि जब हॉट पॉट में ही रखते हैं तो उसके ऊपर एक अदरक का टुकड़ा काट के रख दें। अच्छा अल्लाह जन्नत में जगह थे जुबैदा आपा की ये बात थी और आज भी वो है आजमुदा। और मैं परसों किसी को ये बात बता, फ्रिज में ना रखे, हॉट पॉट में ही, हॉट पॉट में रखा है, अदरक का टुकड़ा रख दिया है, उससे ये कि चपाती 3 दिन भी पड़ी रहेगी नरम है। लेकिन अगर वेदर जैसे है, गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया तो रोटी खराब हो जाएगी, तो तब आप उसको अदरक के टुकड़े में रख के पका ली, पूरा दिन पड़ी रही, उसके बाद आपको उसी में लुपेट के आप फ्रिज में रखते हैं। अच्छा। और उसको बहुत हल्की आंच पे रख के तवे पे दोबारा से गर्म करेंगे, वो बिल्कुल ऐसे होगा निदा जैसे ताजा फूल। ताजा तो रोटियां जाया नहीं करें, ये घर में ही इस्तेमाल हो जाएंगे। बिल्कुल घर में, ये बड़ा भाई अच्छी रेसिपी। अच्छा अब तुम्हारा शोला हो गया तैयार, ये देखिए शक्ल कितनी खूबसूरत है। इसको पीस लिया आपकी ऑडियो डिस्टर्ब ना हो। हाँ इसको पीस लिया तुमने। और पालक वालक तुमने कब डाली थी? पालक डाली थी उसी वक्त जब चावल उबले, दाल उबली थी तब डाली। दाल चावल दलिए के साथ ही पालक डाल दी थी, हरी मिर्च डाल दी थी, वो इसके साथ ही पिस गई। इसके साथ ही पिस गई। अभी एक अलग फ्लेवर, किसी को नहीं पता 2 दिन पुराने जो सालन थे उनका बना हुआ है, ये अलग ही चीज बन गई। अच्छा यह मैं आ गई आलिया के पास। आलिया भी ये कुछ बना के बैठी है, रोल। हाँ, ये क्या है? वो जो मैंने शुरू में रोल बोला था ना, कीमा पड़ा था। हाँ, मैंने देखा, हालांकि मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। हाँ, लेकिन मैंने बना दिया। आपने कीमा जो है, कीमे को थोड़ा सा ड्राई किया, गरम किया। अच्छा, ताकि उसका पानी पानी ना हो। हाँ, उसको रोटी बासी थी उसको बिछाया, उसमें कीमा रखा, टमाटर काट के डाले, प्याज डाली, केचप भी थोड़ा सा डाल दिया कि मीठा और नमकीन का टेस्ट साथ आए। उनको रोल किया और उनको फ्राई कर लिया। फ्राई कर लिया और अच्छे से इस तरह दे दिया, हल्का सा उसको क्रंची कर लिया। अब आप क्या बना रही है नेक्स्ट? मैं बना रही हूँ दाल भरी रोटी। दाल भरी दाल पुरानी थी, अक्सर तो बची जाती है घर में। ये रही दाल। अब मैं इसको भरूंगी इसमें और इसको आपने वो कर दिया ड्राई कर दिया ताकि पानी पानी ना। ठीक है, और फिर बस बना लें और उसके अंदर भरकर आप भर के, आप छोटी रखती है रोटी? मैं खुद छोटी रखती हूँ और इस वक्त इसलिए छोटी रखी है, ऑनेस्टली बताऊँ उसकी साइज से। हाँ, तो मुझे ये बहुत छोटा मिला, मेरे घर में ये बड़ा है, तो मुझे इसके हिसाब से जीना है अब सारी जिंदगी। तो ये दाल भी आपकी काम में आ गई, सही पेट में चली गई, सही जगह। दुख नहीं होता कि भाई कोई चीज फेंक गई। हाँ, हाँ, क्योंकि खाना अगर कम पकाओ तो फिर बहुत बेइज्जती होती है, क्योंकि अक्सर मेरा मियाँ यही करता है, मुझे ना बहुत जाया करना खाने को बुरा लगता है, तो मैं कंट्रोल में पकवाती हूँ कि भाई ज्यादा नहीं हो, क्योंकि फिर दूसरे दिन कोई खा नहीं रहा होता है। तो अक्सर कभी वो होता है कि खाना अगर कम लग रहा है उसको अपने सामने रखा हुआ, तो वो मैं कहती हूँ जाया नहीं करे, हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है, जाया नहीं होना चाहिए। ये जिस तरह आप ये बात कह रही है ना, जैसे हम अपने फ्रिज का हाल देखते हैं तो बहुत सारी चीजें, जैसे हम बाहर ग्रोसरी करने जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है हम ढेर सारा एक साथ खरीद लें। जबकि होना ये चाहिए वो चीज दीजिए जो आपकी जरूरत की है। उतना बाय कीजिए जितना कि आप उसको यूज कर सकते हैं। 3 दिन का हिसाब रख लें, 4 दिन का रख लें, हफ्ते भर का रख लें, मतलब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में चीज मत खरीदें कि वो एक खराब हो, जाया हो, इसराफ में भी जाए और आपके इस्तेमाल में भी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके लिए भी स्पेशली फ्रिज या किचन ऑर्गेनाइज करने के लिए भी ये चीज रखी जाती है, जितनी चीज फ्रेश होगी उतनी चीज ज्यादा अच्छी। बिल्कुल। तो उसके लिए यही है। और मैं अब थोड़ी सी चीज बताऊंगी आपको कि जैसे कि हम सब्जियां लेकर आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको हम केमिकल यूज करके जल्दी गलाते हैं, उसमें से वो चीजें हमने अलग करनी होती है, उन्हें आम सब्जियों के साथ नहीं रखते। कोशिश करें काउंटर पे सब्जी अगर
कच्ची लेकर आए हैं तो काउंटर पे रखकर उसको नॉर्मल होने दें, मतलब राइप की तरफ चली जाए, पकने की तरफ चली जाए, फिर उसके बाद उठाकर चाहे वो फल है चाहे वो सब्जी है फिर उसको फ्रिज में रखें। मैं नहीं समझी आपकी बात, मतलब ये कि कुछ कच्ची सब्जी हम उठाकर ले आते हैं, जैसे हम टमाटर उठा के लेकर आते, अब हमने टमाटर लाकर सारे धो के या ऐसे ड्राई उठा के फ्रिज में भर दिया, तो जो गलेगा जिसपे मसाला है या जो कोई चीज साथ ऐसी पड़ी हुई है वो जल्दी गल जाएगा, वो जो हरे टमाटर है उसको हरे कंडीशन में ही खराब कर देगा। तो अगर आप उसको काउंटर पे रखकर टोकरी में रखकर पलट लें और देखें कि जो राइप हो चुके हैं, जो पक चुके हैं, तो उसको फ्रिज में रखिए निस्बतन इसके कि आप बाहर। और टमाटर की मजे की बात यह है कि टेस्ट चेंज हो जाता है, टमाटर अगर आपने क्यूब्स में काटा है, उसकी पेस्ट बनाई है, उसका छिलका उतार के काट रहे हैं, तो तीनों चीजों में हांडी का टेस्ट बदल जाता है। सही कह, इसी तरह जो टमाटर बाहर काउंटर पे गला हुआ होगा उसका जायका बहुत डिफरेंट होगा। सबसे पहले खाने में सड़ान टमाटर की वजह से आती है, अगर टमाटर में हल्की सी सड़ान होती है, स्मेल होती है, आपका खाना सड़ा सड़ा सारा खराब हो जाए। तो एक तो ये काम करें कि जब भी आप लेकर आए सब्जी तो उसको चेक कीजिए, दूसरा ये कि जैसे टमाटर अगर आपने पके हुए लेकर आए तो उसको फ्रिज में रखिए, आलू प्याज और जैसे हम लहसुन वगैरह लेकर आते हैं इनको हम बाहर रखते हैं, टमाटर भी बाहर रखा जाता है लेकिन गलने के पकने के बाद फिर उसको हम फ्रिज में रख देते हैं। अच्छा, इनके साथ आप कोशिश कीजिए कि हरी सब्जियां जैसे पत्तों वाली सब्जियां उनको बिल्कुल मिक्स मत कीजिए, सही वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अच्छा, धनिया पुदीना लोगों को, धनिया पुदीना काला हो जाता है, धनिया पुदीना और पालक इस किस्म की चीजें, हरा प्याज लोग क्या करते हैं कि अखबार में लपेट कर, बिल्कुल सही कह, उससे वो बच जाता है तीन दिन, लेकिन आप एक चीज देखेंगे वो फ्रेशनेस खत्म हो जाती है और अखबार की पूरी स्याही भी तो लग जाती है। बड़ा ही अच्छा तरीका है, एक धनिया पुदीना लेकर आए उसको साफ कीजिए और उसको उसी टाइम धो दीजिए, उसकी डंडियां बिल्कुल मत काटिए, उसको भिगोइए पानी में से निकालिए, देन किसी टोकरी में डालिए। अच्छा। मेरी अपनी जो मदर इन लॉ है वो क्या करती हैं, बड़ी सी जो टोकरियां हैं फैली हुई हो चंगेर की सूरत में हो या वैसी गहरी हो उसमें डालकर थोड़ी देर रखती है, उसका पानी थोड़ा सा ड्रेन होता है, देन उस पूरी टोकरी को थैली में डाल देती है। और जब हमने इसको पढ़ा तो उसमें भी यही कहा गया ये वो सब्जियां हैं जिनके वो एयर की जरूरत होती। अच्छा। है, तो आप इनको थैली में रखिए एंड देन उसको थोड़ा सा एयर आने दीजिए और उसके बाद उसको बांधकर फ्रिज में रख दे, थोड़ा सा रूम जरूर एक्स्ट्रा वो लेंगी यानी जगह थोड़ी एक्स्ट्रा घेरेंगी, लेकिन आपकी जो धनिया पुदीना सलाद पत्ता पालक हरा प्याज ये चीजें बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, फ्रेश रहेंगी। अच्छा, पकाते में भी तो होता है क्या, अक्सर जब हम पका रहे होते हैं तो हरी प्याज या धनिया पुदीना काली हो जाती है पकाते हुए, क्या ऐसा ये, करें ये वो सब्जी पकाते हुए कोई ऐसी चीज डाल दे जिससे उनका कलर खराब नहीं हो। सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे आखिर में डलता है, आपने देखा होगा धनिया पुदीना होगा हरा प्याज होगा ये सारी चीजें एंड में डलती हैं। एक ही अपनी जगह मतलब थोड़ी पहचान रखें, बिल्कुल गल ना जाए और डालने के बाद आप आग बंद कर दें। अच्छा, ये कभी भी अगर इसको आपने बॉयल पे आने दिया तो ये काली हो जाएंगी, अगर नहीं आने देंगे तो ये कभी काली नहीं होगी। और दूसरा निदा छुरी जरूर साफ कीजिए, किस चीज से, जैसे उसकी जैसे आपने कुछ भी कटिंग की है, आपके पास नींबू का छिलका है तो आपने छुरी को साफ कर दिया। अच्छा, उससे कटा हुआ धनिया पुदीना कभी काला नहीं। ओके, अच्छा, ये बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स मिल रही है। किरण, तुमने क्या किया, ये देखो बेसन वाली रोटी दिखाओ। एक तो पहले चिकन के पकौड़े बना लिए, पकौड़े हो गए। अच्छा, फिर इसमें मैंने जो तिक्का बचा हुआ था रोटी के अंदर, मैंने थोड़ा सा केचप अगर लगाना चाहे वो लगाए, मैंने तिक्का के पीसेस किए, उसमें मैंने क्या किया, हरा धनिया छिड़का, एक टमाटर रखा, फिर मैंने चॉप्ड प्याज और चॉप्ड कैप्सिकम को लेके ना थोड़ा सा सौते किया, नमक काली मिर्च डाली मक्खन में और फिर वो उसके ऊपर रखा और फिर हल्का सा उसको सेक दिया। के दिखा दे, चीज होती तो फिर हम चीज भी रखते हैं इसमें। वो जो वो टिक्का है बहुत मैक्सिकन रोल बन गया आपका, देसी मैक्सिकन, मतलब कि ये आप जो है सोच ही नहीं सकते पिकल का टिक्का, क्योंकि ऐसे टिक्का ड्राई खाया ही नहीं जाता, नहीं जाएगा ना। तो अब ये एक रोल बन गया डिफरेंट सा मैक्सिकन स्टाइल का, इसके साथ आप सालसा की सॉस सर्व करें तो मजे से आप लोग खा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रोटी के ऊपर ये जो बेसन का बैटर बनाया था जिसमें प्याज टमाटर वगैरह भी था, और ये मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ है, मैं आपको नीचे से जरा देखती हूँ कि हुआ है या नहीं हुआ है, हल्की आंच पे ये कुक होगा क्योंकि बेसन कच्चा ना रहे। अच्छा, तो ये बेसन की रोटी है, इसको मैं कट करूंगी तो ये क्रिस्पी आपको बहुत मजे का रोटी का फ्लेवर देगा। अब दूसरी तरफ मेरे पास ये सब्जी बची हुई थी, अब समझ नहीं आ रहा था यार, पराठा तो हर कोई बना लेता है, सबसे बेस्ट यूज पराठे का है, अब ये थोड़ी घीली घीली है, मैंने बनाने थे मिक्स सब्जी के पकौड़े, अब ये बनेंगे नहीं, तो मैंने सोचा अच्छा एक काम करती हूँ, ट्रायंगल ये लेती हूँ, इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी ये सब्जी, आलू की मिक्स सब्जी,
थोड़ा सा हल्का सा बेसन लगाऊंगी एक तरफ और इसी तरह से सेकूंगी, तो ये मिक्स सब्जी वाले बेसन करके दिखाओ ना, करके अभी करके दिखाओ, हाँ, करके दिखाओ। अच्छा, करके मजा आया देखने में। अच्छा, तुम्हारे रसगुल्ले तैयार हो रहे हैं, तुम्हारा शोला और बस इसका बघाड़ तैयार, बस इसका बघाड़। और आलिया, आपने कोई बगैर चमटे के पराठा बनाने की कोशिश करी हूँ, मुझे चमटे से आदत है बनाने की। अच्छा, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस काम के लिए, वो नहीं है। वो ये दाल का पराठा जी, मैंने कहा एक बच्चा भागेगा लेकर आएगा, छोड़ो, इसी से काम चला। हाँ, लेकिन झटकों से थोड़े थोड़े खुल गए, ये खुलते नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हम नहीं खाना है जुगाड़। आज का प्रोग्राम एक्चुअली है कि जुगाड़, ये स्लैंग में यूज कर रही हूँ, शोर ना करें, पैनिक क्रिएट ना करें। आपको अल्लाह ताला ने दिमाग ही ऐसा दिया जो शायद मर्दों के पास नहीं है, वो दिमाग है ना, तो आपने उस दिमाग को इस्तेमाल करके अपने पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, कुछ रेसिपीज मैं सलमा आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि और क्या क्या आम लोगों के घर में क्या क्या चीज़ें बची होती है, उससे क्या क्या बन सकता है। अब हमजा मुझे जगह दो तो मैं उधर जाऊँगी। हाँ जी सर, कुछ रेसिपीज आप अगर बता सकें लोगों को। देखिए, डिपेंड करता है कि आपके बच्चे या आपके घर वाले खाते क्या, फ्लेवर क्या उनको पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को फीका पसंद है, किसी को बहुत तीखा पसंद है। अच्छा, मेरी एक आदत है, मेरे बच्चे सब्जी नहीं खाते थे। अच्छा, बहुत ज़्यादा, और मैं खुद भी इतनी उस पर छोड़ती, पता नहीं क्यों मुझे घी बहुत पसंद है, पराठा बहुत पसंद है, तो मेरी नानी ये करती थी जो सब्जी बची हुई है ना, सुबह उठ के उसका पराठा बनाती थी। अच्छा, और मैंने छुपा देती थी पराठे के अंदर, पराठे मैंने, मेरा ख्याल है जितने चाहे वो आलू पालक है, आलू मेथी है, माश की दाल है, चने की दाल है, शलजम पके हुए रात के शलजम गोश्त हैं तो भी उसको वो सुखा लेती थी, वो डाल देती थी। मतलब ये वो सब्जियां हैं, लौकी बनी हुई है जो मैंने कभी भी नहीं खानी, वो सब उसमें डालकर तो पराठा बनाकर आपको दे। अगर अब अगर आपके पास गेस्ट आ जाते हैं और आपके पास कुछ नहीं है, तो एक आपके घर में आलू पड़े हैं, ठीक है, उससे ना सिर्फ आप बहुत बेहतरीन मीठा बना के दे सकते हैं। आलू से मीठा बहुत बेहतरीन, मेरा ख्याल है हमारी खवातीन बड़ी अच्छी तरह से जानती हैं कि आलूओं का मीठा चाहे हम उसमें दूध मिक्स करके बनाए या आलूओं का जर्दा बहुत अच्छा बनता है, कि लोग पहचानते नहीं है कि ये वाकई चावल से बना हुआ जर्दा है या आलू से बना हुआ जर्दा है। आलू से जर्दा कैसे बनेगा? ओके, मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। आपके पास आलू है, प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्ची है, ये सारी चीज़ें निकालें, ब्रेड है, आटा है, जो चीज़ है उस हिसाब से देख लीजिए कि आपने रोटी की तरह जाने का, नमकीन भी बनेगा, मीठा भी बनेगा। आलू की भुजिया बहुत ज़्यादा होगी, कटलेट्स होते हैं, जैसे अभी आपको किरण बता रही हैं कि पिज्ज़ा टाइप ऑफ अ पिज्ज़ा रोटी, जैसे कि बेसन के हम कहते हैं कि जी रोटी है या बेसन के पराठे हैं, तो आप क्या करें, ब्रेड के ऊपर लगा के आलू आपने मैश किया, बेसन डाला या खाली नमक मिर्च डाली, उस पर हल्का सा अंडा लगाया और आप उसको फ्राई कर देते हैं। बहुत अच्छा स्नैक है ये, मतलब ब्रेड है और उसके ऊपर पूरी आलू की टिक्की लगी हुई है और उस पर आपने अंडे की कोटिंग की है, देन उसको फ्राई किया और उसके पीसेस काट के आप अपने मेहमान के आगे चाय के साथ रख सकते हैं। अब अगर आप मीठे की तरफ जाते हैं, आपने आलू लिया और उसको छीला, उसके बाद उसको कद्दूकश कर लिया, ठीक है, ठीक है, वो बिल्कुल लंबा लंबा चावलों की तरह निकल आएगा। अब आपने उसको रख दिया, एक तरफ आपने शीरा तैयार करना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ एक पैन में पानी लिया, इलायची डाली, जैसे पानी खोलेगा आपने उसमें वो सारे आलू डाल देने। आपने आलू डाले, उसे दो तीन जोश दिलाइए, निदा इतनी हैरान हो रही है, देन उसको स्ट्रेन कर लीजिए। अब आपने उसे स्ट्रेन कर लिया, थोड़ा सा ठंडा पानी डाला ताकि वो आपस में चिपके ना, बहुत नहीं गलाना, बस आपने उसमें डाला और निकाल लिया। निकालने के बाद अब वो जो शीरा है उसको अच्छा ड्राई कर लिया, उसमें थोड़ी सी मलाई डाले, जर्दा रंग डाले, अब वो जो आलू हैं वो उसमें डाल दीजिए और उसको सूखने दीजिए और उसको दम पे दे दीजिए। मैं शर्तिया कहती हूँ, किसी को टेस्ट करने बता देती और वो इतने खिले हुए, इतने मज़ेदार चाहते, जिस दिन पहली दफ़ा मैंने ये रेसिपी बनाई थी मेरे घर में सारे लोग जो आते थे, मैं कहती चख के बताओ, चखो पहले, हाँ भाभी जर्दा बनाया, ये बताओ ये जर्दा बना किसका। माय गॉड, एक्चुअली आप अपना जहन इस्तेमाल करें, और सबसे बड़ी बात है औरत के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जब वो ये सोचती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है और उसने ये सब कुछ नहीं खाना, अब मैंने उसे कुछ बना कर खिलाना, तो वो हर चीज बना। लेकिन ब्रेक के बाद अब मुझे आपकी रेसिपीज चाहिए, आपके घर में क्या होता है, आपके घर में जब फ्रिज में से चीजें निकाल कर आपको कुछ बनाना पड़े, सौदा नहीं है, तो आप क्या रेसिपी बनाती हैं, आइए एक दूसरे से शेयर करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप सीख रहे हैं अनहोनी रेसिपीज, जो सिर्फ फ्रिज खोले, इधर उधर 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 नजरें घुमाएं और दिमाग की बत्ती को खुला रखें कि मैं ये भी बना सकती हूँ, मैं ये भी बना सकती हूँ।
किसी को क्या बताने की जरूरत है, आप है ना, बस काफी है। ओके जी, इससे पहले कि हम आलिया की अगली रेसिपी तक चलें, हमारे पास कॉलर हैं रिजवाना, और रिजवाना बताएंगी कि जब उनके घर में सौदा नहीं होता, फ्रिज खुलता है, तो वो क्या बना सकती हैं। रिजवाना अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से बात कर रही हैं आप। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक अल्लाह का शुक्र जी। रिजवाना क्या करती हैं आप? मैं घर के काम करती हूँ। नहीं वो तो मैं मुझे पता है, लेकिन जब फ्रिज खुलता है तो क्या बनाने का सोचती हैं अक्सर? फ्रिज खुलता है तो वो तो सब्जी सब्जी वगैरह पड़ी होती है, वो बना लेते हैं कभी कीमा। वो तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं वो जो रात की रोटी पड़ी होती है हाँ, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके, ठीक है, दो तीन बतियां छोटे छोटे टुकड़े करके उनको फोड़ के, उनके ना वो थोड़ा सा घी डाल के और थोड़ी सी चीनी डाल के उसका वो बनाती हूँ, वो बहुत मजे का बनता है। चूरी जो बनती है, चूरी? हाँ चूरी, वो हाँ। थोड़ा सा देसी घी डाल के ना तो हाँ। उसका बनाती हूँ, तो फिर बच्चे भी खा लेते हैं, बहुत मजे के बनता है। अरे जबरदस्त जबरदस्त आइडिया दे दिया आपने भाई जी। कहाँ है सबा, कहाँ से बात करी है? अस्सलाम वालेकुम, कराची से। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हो? कैसी हैं आप? निदा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। कहीं सबा, मैं सबा बात कर रही हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं भी एक रेसिपी बताना चाह रही हूँ। मैं जो हूँ, जब मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं और कभी कभी मैं टाइम नहीं होता मेरे पास, तो मैं रात की रोटी को पतले पतले स्लाइस में काट कर और मैं उसके अंदर मिक्स सब्जी मिलाकर जो है वो पास्ता की तरह बना लेती हूँ, तो वो एक मजेदार सी रेसिपी बन जाती है और बच्चे झटपट मजे से खा भी लेते हैं और बाकी रोटी भी मेरी फ्राई हो जाती है। ये भी अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। सारी सब्जी को काट कर और सौते करके और उसके अंदर स्लाइस में काट लेके उसको मैं बिल्कुल पास्ता की तरह रेडी कर लेती हूँ। बहुत अच्छा आइडिया। जब हम छोटे थे तो पता है क्या, हम लोग सब्जियां नहीं खाते थे, अब मम्मा सब्जियां खिलाना चाहती थी, क्या करें। तो उस जमाने में लाइक जब हम छोटे थे, इतना चाइनीज और इसका घर में पकाने का रिवाज नहीं था एज सच, तो मम्मा ने चाइनीज खाना बनाना शुरू किया खुद, कि मेरे बच्चे सब्जियां खाएं, क्यों नहीं खाते सब्जियां। तो उस चक्कर में फिर हमने सब्जियां खाना शुरू की, मतलब वो आदत हमारे अंदर डेवलप हुई। आजकल भी बहुत सारे बच्चे सब्जियां नहीं खाते, तो उनके अंदर आप मुख्तलिफ तरीकों से आदत डेवलप करवा सकती, जैसे कि इसने पकौड़ों के अंदर सब्जियां मिला ली है ना, के बनते हैं, बैंगन के बनते हैं, कितनी सारी चीजें। और जैसे मेरे बच्चे भी नहीं खाते थे, मैंने भिंडी के अंदर इमली मिला दी तो वो अच्छा, उनको अच्छी लगने लगी, खट्टी भिंडी, उसके ऊपर चाट मसाला डाल दिया हाँ। उसके साथ जुबैदा आपा की, मरूम जुबैदा आपा की ही हाँ। रेसिपी थी, भिंडी को फ्राई करके, बादाम को फ्राई करके और उसमें चाट मसाला मिला के दे दिया, दाल चावल के साथ भिंडी खा लिया। तो मेरे बच्चे सब्जियों में भिंडी आलू ये खाते हैं चीजें, और जो वो गोभी शुभी तो ये भी खाना है, क्रिस्पी भिंडी इतने मजे की बनती है, कोई बता नहीं सकता कि ये आप भिंडी खा रहे हैं ना, डीप फ्राई जो होती है। अच्छा अब हम मीठे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा नौरीन से बात कर लेते हैं। वाह बहुत बहुत, अस्सलाम वालेकुम नौरीन, गुड मॉर्निंग। वालेकुम नौरीन, निदा गुड मॉर्निंग। हाँ क्या बनाती हो नौरीन तुम? निदा में दाल चावल अक्सर बचे हुए होते हैं हाँ। थोड़े से दाल थोड़े चावल उनको हाँ। मिला के खिचड़ी जैसा बना, दलिया जैसा बना के हाँ। और थोड़े से आलू काट दिए, थोड़ी एक एक गाजर पड़ी वो मिला के दलिया जैसा सब्जी मिला के बना लेती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। दलिया खाता है कोई? बहुत शौक से, बच्चे हाँ। बहुत शौक से खाते हैं हाँ। हेल्दी चीज है, बहुत हेल्दी है हाँ। और निदा कल आप बहुत खूबसूरत लग रही थी, बाल के स्टाइल आपका बहुत प्यारा था। थैंक यू, आज भी बहुत अच्छी लगती है, हमेशा अच्छी लगती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। हाँ जी, तो अब हम सीख रहे हैं वो केक जो अक्सर घरों में बच जाते हैं, उसका मिल्क शेक। उस केक को कोई नहीं खाता, यकीन माने वो फिकता है, इसलिए उससे बेहतर है कि सही केक में चला जाए, सही जगह इस्तेमाल हो। अच्छा, इस शेक में कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, कोई एसेंस या कुछ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब कुछ डला हुआ है। सही, तो ये एक तैयार आइटम है, सिर्फ अच्छा। आपको ग्राइंड करना है। आपने मैं केक लिया, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए, टुकड़े किए, दूध डाला। इसको मैं गाढ़ा इसलिए कर रही हूँ कि थोड़ा सा मैं एक स्वीट डिश और भी बनाऊंगी। अच्छा अच्छा, हर चीज से दो चीज बन रही है, हर चीज से दो चीज बन रही है ना, अभी खड़े खड़े दिमाग में आती जा रही है रेसिपी, ऐसी बना ली यहीं पर खड़े खड़े, सब्जी के वाली, सब्जी के साथ ना, सब्जी के साथ तुमने क्या बनाया? वो रोटी के ऊपर लगा के फिर उसको एक साइड से सेका, फिर सब्जी के ऊपर वाली साइड पे मैंने एक रोटी का टुकड़ा फिर रखा, लेयर दिया और फिर ऊपर बेसन लगाया और फिर पलटा,
तो वो सब्जी पिज्जा बन गया। हाँ, हाँ, सब्जी पिज्जा। अच्छा, ये क्या के, ये आपने केक और दूध को मिलाकर जी कुछ गाढ़ा गाढ़ा बनाया। हाँ, नहीं ये बनाया अब ये थोड़ा सा, क्यों ये ग्राइंडर मेरे टाइप का जैसे मेरे घर में है ना, हाँ, वो बहुत स्पीडी और बहुत अच्छा करता है, जैसे ये हो नहीं रहा। अच्छा, ठहरो मैं इसको करूंगी तरीके से। हाँ, पूरा ही डाल दे, पूरा डाल देना, बचा रही थी। नहीं ये आप क्या मिल्क शेक बना रही हैं कुछ और? मिल्क शेक जैसे आप इसको ग्राइंड करें जो बचा हुआ केक है, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप इस तरह के पीसेस में डाल दें। ये केक के पीसेस ही ऐसे काटे जी और इसके ऊपर डाल दिया, दूध मिलाया, सोक हो जाएगा। हाँ, ऊपर गार्निशिंग कर लें आप, रेजिन्स डाल दें कुछ, मैंने देखो थोड़ा सा पानी में भी भिगो के रखा है कि सॉफ्ट करके इसको इसमें डाल। ओके, दैट्स इट। और चमचे से खा लें, चमचे से खा लें। लेकिन अगर मिल्क शेक बनाना हो तो ऐसे ग्राइंड कर दें, दूध के साथ ग्राइंड कर लें। गार्निशिंग के लिए आप बीच में पिस्ते बादाम डालना चाहें तो आप घर में होते ही हो। और अक्सर आपके बच्चे आइसक्रीम तो शौक से खाते ही खाते हैं, ये आप ये भी कर सकते हैं, आइसक्रीम के स्कूप्स लेकर और ग्लास में जो है आइसक्रीम के स्कूप फालूदा टाइप बन जाए, थोड़ा और थिक बना लें चमचे से खा लें। ये वाली चीज भी हो सकती है। किसकी? रशीदा की। अच्छा जी, सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग। सलाम, कैसी हैं नीदा? बिल्कुल ठीक, क्या कहेंगी आप? दोबारा कहिए प्लीज, आवाज नहीं आ रही। ये जो रोटियां पकती है ना हम लोग, ये रात में और दिन की खा लेते हैं और उन्हें बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं। काटने के बाद दोबारा बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज आई एम सो सॉरी। हाँ, सिग्नल नहीं आ रहे, जरा जगह चेंज करो, यू करो और जोर से बोलो। हाँ, अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। तो हम लोग ना बाकी रोटी के टुकड़े काट लेते हैं, काट के लिए घी में फ्राई करते हैं। ठीक है, फ्राई करके उन्हें साइड पे रख लेते हैं। हाँ, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी प्याज लेते हैं, उसे लाइट ब्राउन करके उसके अंदर नमक, मिर्च, बॉइल करने की दाल और बॉइल चावल डाल के, और वो जो टुकड़े होते हैं कोई तूफान करके ना पानी में भिगोते हैं, पानी में भिगोते हैं टुकड़ों को रोटी वाले, फिर वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो सॉफ्टन के बाद हम वो भी उसी में डाल देते हैं। ठीक है, और उसे थोड़ी सी देर पकाते हैं, 5 से 10 मिनट पकाने के बाद आप इसी तरह के इतने मजे की डिश तैयार होती है ना। हाँ, अच्छा मुझे जो समझ आया है वो मैं रिपीट कर रही हूँ। आप जो बची हुई रोटी होती है आप उसके टुकड़े करके उसको फ्राई कर लेती हैं, फ्राई करके उसको अलग रख देती हैं। फिर आपके घर में जो चने की दाल बची हुई होती है ना, आप हैं आप? हेलो, चने की दाल और बॉइल्ड राइस, और बॉइल्ड राइस जो बचे हुए होते हैं आप उनको और उसके अंदर मसाले मसाले डाल के आप उसको फ्राई वगैरह कर रही होती हैं उसको, तो आवाज नहीं आ रही, ये मेरी ही कुछ रेसिपी बन रही थी। हाँ, मजे की थी लेकिन मुझे बिल्कुल आपके सिग्नल्स कम होने की वजह से नहीं समझ आई, तो मैं और लोगों को क्या समझाऊंगी। जी हमारे साथ कौन है कॉलर अगली? फरजाना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपको, आपके पूरी टीम को, देखिए गहराइयों से खुश रहिए, आबाद रहिए, अच्छी मुस्कुराती रहिए। जी जी, अल्लाह का शुक्र। जी बताइए। बहुत बताऊंगी, ये तो एक तो हमें सीखने का कितना मौला मिला है, कितनी अच्छी चीजें ये बच्चे सिखा रही है, इनको भी सेहत दे, जिंदगी दे सकते हैं। और एक चीज मैं भी बताऊंगी कि रात के अक्सर बहुत सारे चावल बच जाते हैं, क्योंकि सर्दियों के दिन भी होते हैं, कम खाए जाते हैं जब वो होते हैं, तो लोग उनको फेंक देते हैं। हाँ, या जाते हैं, तो मैं कहती हूँ कि वो चावल जैसे बने हुए ना, उसको निकाल के हमने अलग करके हाथ से उसको बिल्कुल नरम कर लिए। अच्छा, सही। हाँ, फिर प्याज लाल की तो हरा मसाला सारा काटा, जैसे हरा पुदीना है, हरी मिर्च है। हाँ, और ये टमाटर सब काट के और उसके अंदर जैसे बसार प्याज लाल की, उसके अंदर मसाला डाला, चावल दम पे कर लिए। ठीक है, हरे मसाले के चावल जो ना थोड़ा सा गर्म मसाला उसका पिसावट झड़क लिया, उसके बाद दम करके मिक्स करके और उनको डाल लिया। फिर देखिए दोपहर को कांगी के लोग अक्सर कहते हैं हम तो रात से ज्यादा पका लेते हैं। हाँ, तो दोबारा ये डिश बनाया जाए तो वो जायका आता है, क्योंकि ताजे चावलों में भी नहीं होता है। यानी आपने हरा मसाला वो जो बॉइल्ड चावल थे पुराने, ठीक है, उस पे तह लगा दी, उसको पहले प्याज डाल दी, सारा मसाला काटा, उसको भूना। हाँ, और इसकी तेल लगा के ऊपर से गर्म मसाला डाल के और वो दम कर दिया। अच्छा, मिक्स करके उतारिए, चाहे तो जैसे कभी मटर भी बचे हुए होते हैं, आलू बचे हुए होते हैं, बारीक बारीक वो भी काट के डाल दिए। अच्छा, तो ये हरे मसाले की बिरयानी बन जाती है, कराची से बहुत शौक से खाया जाता है, हम आम चीज तो बहुत खा लेते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज जो है हमारी अक्सर मैं कहती हूँ बहुत दफा जाया होते थे, जल्दी जो जायके डाल दिए थे, लोगों को यकीन नहीं आता। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए ऐसी बहुत सारी रेसिपीज हैं
जो आप झटपट घर में बना सकते हैं, एक नई इनोवेशन बन जाएगी। किरण आप तुम्हारी अगला क्या काम करिए? फ्रेंच टोस्ट। वैसे यूजुअली बासी ब्रेड होती है तो मैं क्या करती हूँ, या बन होते हैं या बची हुई जलेबी होती है। अच्छा। तो मैं यहाँ पे क्योंकि ओवन नहीं था मैं बेक कर लेती हूँ। अच्छा। पुडिंग बना लेती हूँ और वो गरम गरम सर्व होती है, इतने मजे की बनती है। हाँ। उसमें आप दूध डालें, अंडा डालें, थोड़ा मक्खन डालें, सिनेमन पाउडर डालें, किशमिश डाल दें और वेनिला एसेंस डालें और फिर उसमें आप जो भी बचा हुआ है, या तो जलेबी है या तो ये ब्रेड है और बन है, क्रोसॉन्स है, बासी होते हैं, क्या करें, तो आप उसको वो बना सकते हैं, बेक कर लीजिए। इतने मजे की गरम गरम होती है, कुछ भी। तो ये मैंने डबल रोटी जो थी थोड़ा सा जल गया, बट मुझे एक्चुअली ये पसंद है क्रिस्पी, मैंने शुगर ऊपर से एक्स्ट्रा डाली है जिसकी बची हुई वजह से वो और थोड़ा काला, तो वो कैरमलाइज फ्लेवर फ्लेवर है। तो वही सिंपल जैसे बनाते हैं, बस इसके सर्व आप आइसक्रीम के साथ करें इसको, या फिर आप फ्रूट्स के साथ करें आप इसको, कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट। ओ जबरदस्त जी। और ये तैयार है, अभी चखना। अब चखना आपको होगा सलमा। अब आप जाजे आप टेस्ट करके बताएं कि क्या किसकी कुछ किसको जिताएं हम मुकाबला। कंपटीशन लगा दिया। जस्ट लुक एट देम, इतने प्यारे रसगुल्ले, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत ये रसगुल्ले इतने, मैं बताती हूँ मुझे याद हो गई, ये चावल इसने बच्चे में लिए जो पुराने रखे हुए थे, उसको ग्राइंड किया और उसको ग्राइंड करने के बाद इसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर मिलाया, इसकी गोलियां बनाई और चीनी का शीरा बना के उसमें मिला दिया। वो वाले चावल जो घिप भी हो गए हैं, जाया करने से बेहतर है। अच्छा अब ये नेक्स्ट जो है ये लौकी के कबाब, लौकी के कबाब, जस्ट इमेजिन कि लौकी लौकी के कबाब। और एक चीज और बताऊं, लौकी के कबाब आप लौकी वैसे भी इस तरह दें, फ्राई करके उसकी चिप्स करके दें, सब्जी करके दें, ब्लांच करके दें, इतनी बेहतरीन है ना सिर्फ इस सीजन। लौकी के चिप्स कैसे बनते हैं? आप के हर सब्जी के बनाते हैं, मतलब आप ऐसे गोल गोल काट के काट दें, बहुत सख्त ऑयल गरम हो और उसके अंदर से तेजी से निकालते जाएं और उसके बाद आप उसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला डालें और आप खाएं। आप करेले के चिप्स आपको अब तो मार्केट में अवेलेबल होने लगे हैं, इसके हैं, बल्कि बे के चिप्स मिलते हैं आपको, ये सारी सब्जियों के मिलते हैं और आप खाते हैं। और मैंने बची हुई सब्जियों का पुलाव भी बनाया, बची हुई सब्जियों का पुलाव भी बनाया। वो उसकी रेसिपी क्या है यार? उसकी रेसिपी ये है कि जो भी सब्जी आपके घर में बच जाती है, जिस तरह हम आलू की ताहिरी बनाते हैं, प्याज ब्राउन की, उसमें टमाटर डाला, बची हुई सब्जी, दो तीन आलू डाल दिए और फिर उसके बाद आप उसे भून के उसमें चावल डाल। अच्छा, तो वो पुलाव बन गया। अच्छा। देखिए हमारी सारी सेलिब्रिटीज की सलीका शो है, मैं कह रही हूँ वाकई चुन के बुलाई है वो खबर, चुन के। और नहीं, मैं जैसे आलिया जी को देख रही हूँ कि वो एक रेसिपी स्टार्ट करती है और उससे और निकलती जा रही है और बनती जा रही है, कुछ ना कुछ। अच्छा, इसकी रेसिपी क्या है? ये जो तुम कबाब बना रही हो लौकी के, इसके अंदर लौकी डाली है मैंने, कद्दूकश किया लौकी को, शिमला मिर्च, गाजर या जो भी सब्जी आपके घर में मौजूद हो वो, और दलिया डाला है। बाकी जो भी मसाले आपको डालने हैं वो डाल के, एक अंडा डाल के इसका बिल्कुल वैसे बैटर बनाना है जैसे कबाब के लिए बनाते हैं। अच्छा। और फिर इसको फ्राई करना। हाँ, देखिए दलिया का इस्तेमाल ये कितना तुम लोगों के घर में ज्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, दलिया का इस्तेमाल हमारे घर में तो सिर्फ यासिर खाता है, उसको लगता है दलिया खाने से वो पतला हो जाएगा। नहीं, लेकिन दलिया का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे लौकी में कह रही हूँ एंटी डिप्रेसेंट है, जिंक का इस्तेमाल वैसे ही हमें अब बढ़ा देना चाहिए, बहुत ज्यादा हम खूबसूरती के पीछे भागते रहते हैं, तो उसमें लौकी बहुत अहम किरदार अदा। ये बाइंडिंग एजेंट के तौर पर तुम डाल रही होगी ना डबल रोटी। ठीक है, ठीक है जी, एक छोटे सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हमारी सेलिब्रिटीज के फ्रिज के साथ। वेलकम बैक, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए जी हमारे प्रोग्राम का निचोड़, ये हमारे प्रोग्राम का निचोड़ ये है, आपका आपका तो निचोड़ निकल गया। ये देखिए, अब आप जब घर आएंगे और बिन बुलाए आएंगे, बताए बगैर आएंगे कि नहीं भाई हम तो खाना नहीं खाएंगे, हम तो ये नहीं है, मेहमान भी दावत हो सकती है, ऐसे कैसे हो सकता है आप खाए बगैर जाएंगे? नहीं, नहीं, घर आएंगे आप तो ये देखिए, जब आप मिजना के घर आएंगे तो ये देखिए, बिरयानी देखो कैसे चावल खड़े हैं। हाँ, और आलिया के घर आएंगे तो ये
मतलब लाइक आपको वैरायटी हर जगह मिल सकती है, लेकिन खूबसूरती ये है इन सारी टेबल्स की कि फ्रिज से बचा हुआ खाना है और इसमें मेन कोर्स के साथ आपको मीठा भी मिल रहा है। मतलब प्रॉपर मील है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक खाना देके बस खा दिया कि चलो जी ठीक है कुछ नहीं है, एक ही डिश बना के वो क्या कहते हैं हमारे मुंह पे मार दिए आए या खाए और जाए, लेकिन ये कि बड़े ही दिल से और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा। पता है हर मुल्क का एक रख रखाव होता है, हमारे मुल्क में अगर आपको सही खाना नहीं खिलाया गया चाहे वो शादी हो, सिर्फ चाहे वो से नाक तोल होती है, बिल्कुल चाहे आपने बहुत अच्छे कपड़े पहनवा दिए हैं, बहुत अच्छी डेकोरेशन है, सब कुछ, खाना अच्छा नहीं है ना, जिक्र नहीं होगा उस चीज का। तो हमारे मुल्क में आप कोई भी बिजनेस खोल लेंगे शायद नहीं चलेगा, खाने का बिजनेस खोल लेंगे वो जरूर दौड़ेगा, उसमें कोई नुकसान नहीं है। होगा तो फ्लॉप हो जाएगा, जायके वाला होगा तो भाई कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। देखिए ना ठेले जिसने लगाए हैं वो आज बड़े बड़ी दुकानें खोल के बैठे हैं लोग, सही तो वो वाली चीज है ये बिजनेस के आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं। जी हमारे साथ कॉलर कौन है? नजमा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी हैं निदावा जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं सेलिब्रिटीज को बकवा ये सलीका शार चीजें इसलिए करवाती हूँ ताकि एक जो टैबू बन गया है ना कि नहीं ये मेकअप थोप के आ जाते हैं, ये क्या किचन में काम करते हैं, देखिए मेकअप थोप के भी इन्होंने अक्सर पता है क्या लोग खवातीन क्या कहती है, अरे क्या मैं इतनी तैयार होके किचन में जाऊंगी। एक और चीज आ रही थी, वो लोग ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ तैयार ही होते हैं टीवी पे आते हैं, इन्हें क्या पता नौकर घर देख रहे होंगे, जबकि हैरान कुन बात ये है कि जब मैं मिली हूँ सबसे और सब अपने अपने घरों की वाकई मलका रानियां हैं और उन्होंने अपना घर वाकयातन बनाया है। इसमें कोई शक नहीं। जी आप क्या कहना चाहेंगी? हेलो, मैं कहना चाहूंगी कि एक तो मुझे रसगुल्ले की रेसिपी दोबारा रिपीट कर दें। रसगुल्ले की आपको दोबारा रेसिपी रिपीट कर दें मिज़ना भाई फटाफट। जो आपके घर में बॉइल्ड राइस बचे हुए होते हैं उसके अंदर आपको थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालना है और थोड़ा सा प्लेन फ्लावर डालना है और आटा जैसे गूंथते हैं इस तरह गूंथ के फिर शीरा बनाना है पानी और चीनी का और उसके अंदर इनको डाल देना है। ठीक है, और कुछ पूछोगी या कुछ बताओगी? और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू कह दो। थैंक यू, मुझे लगा आपको कहना चाहूंगी कि मेरी 14 इयर्स है। अच्छा, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं इतनी कुकिंग हूँ अब तक बहुत ज्यादा और मुझे कुकिंग का शौक भी बहुत है। तुम क्या बताना चाह रही हो? तुम्हारी अम्मी को शादी कर दे इसकी, खबरदार जिसकी शादी की अभी 14 साल की है जब तक अपने पैर पे नहीं खड़ी हो जाएगी, पढ़ाई कंप्लीट नहीं करेगी, इसकी शादी नहीं करना, खबरदार। लाख अच्छे खाने बनाती है, खुद खाओ मियाँ को खिलाओ, इतनी जल्दी शादी नहीं करना, बहुत जिम्मेदारियां पड़ जाती है। जी आइए चखना शुरू। एक चीज तो मेरा दिल कर रहा है बात करने को, आजकल पीछे बड़ी बात हो रही है, खवातीन एक सवाल करती है हम घर बैठकर काम करें, घर बैठ आज आप लोगों ने ये जो चीज बनाई है तो मैं कहूंगी कि वो ये सिर्फ टेबल देखें और यहाँ से देखें कोई एक टेबल भी आपका छोड़ने को दिल नहीं करेगा, तो अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, मुस्तकिल मिजाजी इस्तेमाल करें और अपना हुनर जो असल में खाना पकाने का है उसे इस्तेमाल करें तो बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर बनेंगी। तो डू दैट, क्योंकि ये खवातीन अपना घर भी देखती हैं और बाहर भी काम करती हैं और एक्सेलेंट जॉब, एक्सेलेंट। थैंक यू सो मच सलमा, थैंक यू जी। चले ना चखते हैं हम जूठे के बर्तन करेंगे। आलू के हलवे की रेसिपी दोबारा बता दें भाई। आलू के अच्छा हो गया ना सारा, पहले पहले ठंडा हो गया। जी चखें और फ्रेंच टोस्ट हाँ गरम गरम कीमे की बिरयानी बहुत अच्छी बनी। हाँ अच्छा, चिकन का पकौड़ा मैंने खाया, आपने बैटर बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा लिया उसे कद्दूकश करके रख लिया छीलने के बाद और एक तरफ पानी उबलने के लिए रख दिया आलूओं के लिए, दूसरी तरफ आपने शीरा बनने के लिए रख दिया। शीरा बहुत गाढ़ा नहीं करना और बहुत वाटरी भी नहीं होना चाहिए, उसमें अपना जरदा रंग वगैरह डाल दे। आलू अब आपने डाले बॉयल होते हुए पानी के अंदर, उसमें थोड़ी इलायची सब्ज़ इलायची है वो डाल दीजिए, दो तीन जोश आएंगे उसे निकाल दीजिए स्ट्रेनर में और उसको ठंडा पानी डाल दीजिए ताकि वो अलग लग रहे। अब वही जो आलू आपने बॉयल किए हैं उसको शीरे में डाल दीजिए और उसको दम दे दीजिए, आपका बेहतरीन आलूओं का जरदा तैयार, भरपूर नजर आते हैं। देखिए मतलब जरूरी नहीं है कि आप अगर किसी की दावत करना चाहते हैं बहुत महंगी महंगी चीजें लाके उसको पकाएं, खाने का जायका अच्छा होना चाहिए और
किरण ने एक बहुत अच्छी बात की थी, फीलिंग्स के साथ पकाएंगे, दिल से पकाएंगे तो हमेशा खाने में लज्जत आएगी, गारंटी। और इसकी वजह ये है कि खाना पानी जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, सबसे ज्यादा आपके माइंड पर वही अफेक्ट करेगा, खाना इतना नहीं करेगा। एक चीज बताऊंगी, मिर्जा ने जब बोला ना कि मैं शोला बना रही हूँ, तो मैंने आते ही इनको बोला, मैं कच्चा मतलब उसमें निहारी का टेस्ट भी आएगा, कोरमे का टेस्ट भी। मजे की बात है, पकने के बाद उसके अंदर बिल्कुल टेस्ट नहीं, वो वाकयातन लग रहा है कि ये शोला बना। थैंक यू। और जरूर जरूर मैं सबको रिकमेंड करूंगी, ये जरूर ट्राई करें, ये मैंने भी कभी नहीं बनाया लेकिन वाकयातन बहुत अच्छे, बहुत मजे की। थैंक यू आप तीनों का, अपना आज आपने वाकई खून पसीने की कमाई की। नहीं नहीं, कुछ चखे बगैर कैसे, फिर कभी सुबहराबे पे शो होगा, हम फिर मिलेंगे। मैंने बड़े शो किए फुड़ापे पे भी, और वो बेचारी लड़कियां आई हैं, उन्होंने कहा तुम हमें क्यों बुला लेती हो, उनकी देर देर में उनकी शादियां हुई हैं। कहते हैं तजर्बा बोलता है, इसमें कोई शक नहीं, तजर्बा बोलता है। मतलब राइस बहुत बेहतरीन, बिल्कुल नहीं लगता ये बचा हुआ है, यू लगता स्पेशली यही चीज बनाई गई है, ये नई रेसिपी। और मीठे में ये वाकयातन दोनों चीजें जरूर ट्राई कीजिए, एक तो ये गुलाब जामुन और दूसरा ये बच्चे का थोड़ा सा एक सिप लो। हां ला देखिए जरा, मुझे मोटी करेगी, करके रहूंगी। केक शेक, केक शेक, केक शेक बहुत मजेदार है। सीरियसली मेरा बलाज दूध नहीं पीता, मैं सोचूं उसको ऐसे क्या अच्छा बहाना है, ये अच्छा मैं कहूंगी मिल्क शेक। बहुत जबरदस्त रहा आज का प्रोग्राम, आप तीनों की वजह से, आपकी वजह से, माशाल्लाह। देखिए ट्राई कीजिएगा ये रेसिपीज अपने घर में, और मुझे जरूर एसएमएस करके बताएगा कि ये जुगाड़ रेसिपीज आपको कैसी लगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी, पलके झूम के हवा।